सभी का वेलकम। और सबसे पहले मैं कोरोना की थोड़ी गाइडलाइंस आपको बता दूं। देखिए, कोरोना चल रहा है मार्केट में और बड़ा ही देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एज ए गुरु मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए प्लीज, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को सपोर्ट करें। तो प्लीज जब तक जरूरत हो तो घर से बाहर मत निकलिए, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, फैमिली है, आप हो सब कुछ है, ठीक है। अगर किसी खुदा ना खास्ता कुछ फैमिली में हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आजकल हाहाकार मचा हुआ, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर को, अपने आप को, अपने घर वालों को प्लीज सभी को सुरक्षित रखिए और पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइंस उनका पालन कीजिए। इसके बाद सर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देके सेशन को स्टार्ट करेंगे हम। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले लगभग 10 सालों से सारी ऑकल्ट साइंसेस, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, लाल किताब है, फार्मिस्ट्री है, इन सभी को पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में और अब तक हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। एक एक कोर्स की अगर बात करूँ तो हजार हजार से ऊपर स्टूडेंट पढ़ के जा चुके हैं, तो अगर ऑन एवरेज लगाया जाए तो 10,000 से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ और प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ पिछले 10 सालों से, 2011 से प्रोफेशनली कर रहा हूँ। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है और 2008 से मैं इस ऑकल्ट साइंस के अंदर हूँ और 2011 से मैंने प्रोफेशनली इसकी कंसल्टेंसी देना और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप सभी ने कोई भी अगर कोर्स करना है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे यहाँ हर महीने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो और लाल किताब, इन सबके कोर्स रेगुलर बनते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। रेगुलर कोर्स भी है और वीकली क्लासेस भी, तो अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कोर्सेज हम डिजाइन कर सकते हैं। आज का हमारा वास्तु का वेबिनार है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, आप सभी को पता है, देखो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वास्तु अभी 10-20 सालों से 30 सालों से आना शुरू हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि वास्तु बहुत पुराने पुरानी साइंस है हमारी, कोई अब की साइंस नहीं है कि ये 10 दिन से या 10 साल या 20 साल से आनी शुरू हुई है, ये बहुत प्राचीन साइंस है हमारी और ये हमारे ऋषियों की देन है। आप सभी को पता है जैसे कि हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों के ही उपवेद भी हैं। तो इन चारों के जो उपवेद हैं वहां पर कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष के बारे में आपको चर्चा मिलती है वेदों में, और वहीं पर ही स्थापत्य वेद आपको एक लिटरेचर मिलता है हमें पढ़ने के लिए, जिसमें सारा सारा ये वास्तु ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो ये जो ज्योतिष है या वास्तु है, अगर आप इसको ये समझते हैं कि अभी कुछ ही सालों से आया है या ऐसा कुछ नहीं है, वास्तु पहले नहीं था, महाभारत या रामायण के टाइम तक भी वास्तु इम्प्लीमेंट होता था, ठीक है। वास्तु में आपने देख लेना, महाभारत में आपने देखा भी होगा जो युद्ध हुआ था, जब द्रौपदी ने दुर्योधन की बेइज्जती की थी, कि वहां पर इस तरह का डिजाइन बनाया गया था कि अगर जहां पर शीशा है वहां पर लगता था पानी है और जब पानी होता था वहां पर पानी नहीं होता था, तो इस तरह के वहां डिजाइन बनाए जाते थे पहले, हमारे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि अभी ये सब चीज शुरू हुई है। तो हमारे वेदों में वास्तु का जिक्र है और प्राचीन काल से हम वास्तु फॉलो करते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह, आप कोई भी प्राचीन स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो सारे सारे वास्तु से भरे हुए हैं। कोई भी, कोई मंदिर ले लीजिए, कोई गिरजाघर ले लीजिए, कोई मस्जिद ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी आप प्राचीन किला देख लीजिए, आज भी वो सस्टेन करते हैं, ठीक। कुछ तो लॉजिक होगा उसमें। आप कोई भी आप मकान बनाते हो, आप वो 100 साल 200 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन प्राचीन के जितने भी लिटरेचर कंस्ट्रक्शन है आप देखिए, सारे कोई 500 साल, कोई 1000 साल, इतने इतने सालों से वो आज भी खड़े हुए हैं, तो कुछ लॉजिक तो होगा उसका। तो इसी के पीछे लॉजिक है वास्तु, ठीक है। अगर आप वास्तु के हिसाब से बना लेते हो तो वास्तु आपके घर की जो है लाइफ बढ़ जाती। दूसरा, वास्तु जरूरी क्यों है? देखिए, कंटेंट तो आप कहीं से भी सीख लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज में जाने वाला हूँ, वास्तु आपकी लाइफ में क्या मिरेकल कर सकता है और क्यों वास्तु पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, एक
इंसान जब इस जीवन पे इस जीवन में आता है, पैदा होता है, उसकी लाइफ कैसी जाएगी, उसकी लाइफ को जो गवर्न करते हैं वो चार फैक्टर हैं, टाइम, डायनेस्टी, एनवायरमेंट एंड कर्मा। ठीक है, मेनली चार है, हो सकता है एक आध कुछ और हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, चार लाइफ के फैक्टर हैं आपको जो डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। टाइम का मतलब है जिस वक्त आप पैदा होते हो, जिस वक्त आप पैदा होते हो आप किसी एक नक्षत्र में पैदा होते हो जिससे कि आपकी कुंडली बन जाती है, और कुंडली का मतलब ये है कि कब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कुंडली के अंदर जो अच्छे बुरे योग बन गए, जब आपकी दशा स्टार्ट हो गई, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब है जब आप किसी टाइम में पैदा होते हो उस वक्त चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वहां से आपका आपकी दशाएं स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी एक कुंडली बन जाती है। उस कुंडली में सब कुछ लिखा होता है कि आपके साथ कब जीवन में अच्छा बुरा जो भी होना है वो कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, सुख दुख कब आएगा, सब कुछ प्लान है उसमें। ठीक है, टाइम। तो अगर कुंडली आपकी अच्छी बनी है, मतलब ऐसे नक्षत्र में आपने जन्म लिया है कि बहुत अच्छी योग कुंडली में बने हुए हैं, आपके धन धन योग राजयोग कुंडली के अंदर बने हुए हैं, तो इसका मतलब है इस जन्म में आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, आपको सुख संपत्ति सारे कुछ इस जीवन में मिलने वाला है। ये किसने डिसाइड किया? जिस वक्त आप पैदा हुए उसमें आपकी लाइफ डिसाइड हो गई। दूसरा है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, जिस वंश में आपने जन्म लिया है, वंश भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिसाइड कर देता है कि आपका होगा क्या। जैसे कि अब हमारे राजकुमार हैं प्रिय राहुल गांधी जी, और देखिए मैं समझाने के लिए इनको करेक्टर को यूज कर रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ ना किसी को नीचे ऊंचा दिखा रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ। अब राहुल गांधी जी हमारे युवा नेता हैं और प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं बेचारे। ठीक है, अब क्या है कि उनकी क्या एजुकेशन है भगवान जाने, कितनी उनको नॉलेज है वो आप सब इंटरव्यू से सुन सकते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया तो उसकी लाइफ डिसाइड है, क्योंकि वो गांधी परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी लाइफ तो सेट है। उसको दुख को पता ही नहीं, उसको होता क्या है, गरीबी होती क्या है, दुख होता क्या है, प्रॉब्लम होती क्या है, उसको क्या पता, क्योंकि उसके जिस वंश में उसने जन्म लिया है उस वंश ने उसको डिसाइड कर दिया कि इस जर्नी में उसकी लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। अब वो चाहे जिंदगी प्रधानमंत्री ना बने, उसको कोई चिंता तो ना, इतना पैसा कमा रखा है गांधी फैमिली ने। ठीक है, वंश ने उसकी लाइफ को डिसाइड कर दिया। तो इसका मतलब है पहला तो टाइम जो आपकी कुंडली बन जाती है, दूसरे है वंश, किस वंश में आप जन्म लेते हो वो आपकी लाइफ को डिसाइड कर देते हैं। तीसरी चीज है एनवायरमेंट। अब एक एनवायरमेंट बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अगर अच्छे एनवायरमेंट में पालन पोषण होता है आपका, ठीक, तो कहीं ना कहीं आप में अच्छे संस्कार आते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों को कर पाते हो अच्छे से। एनवायरमेंट, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि अच्छी संगत में बैठना चाहिए, अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत में परवरिश होगी तो लाइफ में कुछ कर जाओगे। तो जो संगत की बात है दैट इज एनवायरमेंट। लास्ट है कर्मा, कि इंसान अपने कर्मों से अपनी लाइफ को सेट कर सकता है कुछ हद तक। अगर ये चार फैक्टर को मैं 100% मानू तो जिस 30% टाइम, 30% डायनेस्टी, यानी कि जिस वक्त आप पैदा हुए और जिस वंश में पैदा हुए, 60% आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है ये दो फैक्टर डिसाइड कर देते हैं। बचा 40%, 40% में 20% एनवायरमेंट है, 20% कर्मा है। इसका मतलब है अगर मुझे कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली, अच्छे योग नहीं है मेरी कुंडली में, मैंने अच्छे वंश में भी जन्म ले लिया, वंश का मतलब है कि मैं किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो इसका मतलब 60% तो मेरे हाथ से निकल गया। मेरी लाइफ क्या बची है? एनवायरमेंट और कर्मा। अगर मेरी संगत अच्छी होगी, मेरे कर्मा अच्छे होंगे तो उससे मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। अब मजे की बात यह है कि ना तो मैं कब पैदा होऊंगा, किस नक्षत्र में मुझे पैदा होना है ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे किस वंश में पैदा होना है ये भी मेरे हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब 60% जो लाइफ है आपकी ये ईश्वर के द्वारा पहले से डिसाइड की हुई है, भगवान ने आपके पास छोड़ी है फ्री विल, सिर्फ 40%। और उस 40% में भी जो मेन चीज है दैट इज कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म किए जा, फल की इच्छा तो कर लेकिन ये मत कर कितना मिलेगा और कितना कम मिलेगा ये मेरे हाथ में। ये नहीं बोला फल की इच्छा मत कर, उन्होंने बोला इच्छा करो लेकिन कितना मिलेगा कब मैं दूंगा ये मेरे हाथ में। तो इसका मतलब हमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को हमारे लिए बोला है कि आप सिर्फ कर्म के लिए बने हो, कर्म करो। और मजे की बात यह है कर्म सिर्फ 20% आपकी लाइफ को डिसाइड करता है, बाकी तो 80% तो ऊपर वाली चीज डिसाइड करती है, इस चीज में 60% तो हमारे हाथ में नहीं है। अब ये कर्मा अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो एटलीस्ट हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि हम अच्छे कर्म कब करवाएंगे, जब हमारी परवरिश एक अच्छी एनवायरनमेंट में होगी। इसका मतलब है एनवायरनमेंट, कर्मा का सीधा सीधा रिलेशन हमारे एनवायरनमेंट से है और एनवायरनमेंट का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपके वास्तु।
तो इसका मतलब है ना टाइम मैं चेंज कर सकता, ना मैं वंश डिसाइड कर सकता, और मेरे जो कर्म और एनवायरमेंट जो 40% मेरी लाइफ को डिसाइड करते हैं उसमें से भी कर्म प्रधान है, और कर्म मेरे तब अच्छे होंगे जब मेरा को एनवायरमेंट अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छे एनवायरमेंट में रहकर ही आप अच्छे कर्मा को कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कर्म की सीधा सीधा रिलेशन एनवायरमेंट से आता है, एनवायरमेंट का सीधा सीधा रिलेशन है वास्तु। तो मोटी मोटी बात यह है कि टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते, टाइम मतलब ज्योतिष को आप चेंज नहीं कर सकते, अच्छे बुरे योग जो भी आपकी कुंडली में है वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन एनवायरमेंट का मतलब यह है कि अगर मैं गलत वास्तु में रह रहा हूं तो मैं अपने मकान को चेंज कर सकता हूँ, वहां पर अल्टरेशन कर सकता हूँ, वहां पर कलर कमीशन चेंज कर सकता हूँ, वहां पर छोटी मोटी रेमेडी चेंज कर सकता हूँ, वहां पर जो सामान जहां पर रखना चाहिए उसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, जो एक्टिविटी जिस जोन में करनी चाहिए अगर मैं वहां पर नहीं कर रहा तो मैं अपनी एक्टिविटी को चेंज कर सकता हूं। तो कितनी बड़ी फ्री विल है। अगर मैं अच्छे एनवायरमेंट में रहता हूं तो मेरे कर्म अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और जब मेरे कर्म अच्छे होने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या है कि मेरा अगली जर्नी जब ईश्वर हमें देगा तो वो भी मेरे को अच्छी मिलने वाली है, और उसी दिन मेरा वंश अच्छा मिलने वाला है। इसका मतलब सब कुछ कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, और कर्मा एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, और एनवायरमेंट इज वास्तु। तो जिसको ये बात समझ में आ गई ना उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ज्योतिष की जितनी रेमेडीज हैं वो सारी सारी वास्तु के अंदर है। अब हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा पहले कोर्स डिस्कस करके और फिर आपको बारे में वास्तु थोड़ा सा बताकर और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, और मैं जरूर डेफिनेटली आपको दो रेमेडीज बहुत अच्छी बताकर जाने वाला हूँ, जिसमें एक रिलेशनशिप इश्यू बहुत आ रहे हैं आजकल और एक फाइनेंशियल इश्यू कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वास्तु, और कैसे आप अपने फाइनेंशियल को इंक्रीज कर सकते हो। ये दो रेमेडी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो वास्तु का कोर्स कंटेंट है मैं 5 मिनट आपके साथ डिस्कस करूंगा वो, और उसके बाद कुछ वास्तु के बारे में बताया जाएगा 10 मिनट, और फिर आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे 3 महीने का वास्तु का बैच शुरू हो रहा है कल से, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्या फीस रहेगी, क्या सब चीज रहेगा वो आपके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट 5 मिनट के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले है सिलेबस हमारा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु, कि व्हाट इज वास्तु, वास्तु का मतलब क्या है, नीड ऑफ वास्तु, वास्तु की जरूरत क्या है, और डिविजन ऑफ वास्तु, वास्तु को कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट रहेगा साइट सिलेक्शन। देखिए साइट सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोगों ने ना वास्तु को बहुत हल्के में लिया हुआ है। अब वास्तु लोग ऐसा समझते हैं कि मकान मिला लिया आप शिफ्ट हो जाइए मकान के अंदर, और फिर शिफ्ट होने से पहले बोलते चलो यार एक वास्तु वाले को तो बुला ही लो, तो वो वास्तु नहीं है आपका। वास्तु तब हमारा जो ट्रेडिशनल वास्तु है या वैदिक वास्तु है वहां से शुरू होता है, जब आपके मन में आपके दिमाग में आया कि मुझे मकान बनाना है, तब हमारे पास आइए हम आपको बताएंगे कौन सी लोकेशन, कैसे साइट सिलेक्शन करनी है, कौन सा नगर, कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली आपने चूज करनी है, कौन सी सोसाइटी, उसका नाम क्या है, क्या वो आपको सूट करता है, क्या वो डायरेक्शन आपको सूट कर रही है जहां पर आप मकान लेने वाले हैं। अगर ये आपने गलत चूज कर लिए गलती से तो कोई वास्तु की रेमेडी इन सब दोषों को दूर नहीं कर सकती। ठीक है, कोई रेमेडी है ही नहीं। अब मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं ये आपका दिशा गलत है चलो ये कर लो, वो तो एक आपको बहलाने वाली बात है। कुछ चीजों की रेमेडी आप नहीं कर सकते। अगर वहां पर किस तरह का वास्तु फॉल्ट है, मतलब अर्थ एलिमेंट वहां का खराब है, भूमि में कोई शल्य दोष है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। फिर तो यह है कि आप चैंटिंग कर सकते हो, भगवान ने सुना तो सुना, नहीं तो नहीं सुना। लेकिन अगर आप पक्के नहीं बोल सकते कि ये रेमेडी करने से आपके वो दुख दूर हो जाएंगे, तो इसलिए अगर आप क्लासिकल वास्तु पढ़ लेते हो, क्लासिकल मतलब ये नहीं कि बहुत प्राचीन वास्तु है उसमें आज के कंटेक्स्ट में इतनी यूज नहीं कर सकते। प्राचीन वास्तु में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, अगर उसको आपने डिकोड कर लिया और आप मॉडर्न वास्तु के अंदर लगा लिया तो ऐसी कोई लाइफ का सेक्टर नहीं है जब आप अपनी लाइफ को इनहेंस नहीं कर सकते, एक बेटरमेंट की तरफ आप अपनी लाइफ को नहीं ले जा सकते। लेकिन आपको डिकोड करनी चीजें आनी चाहिए। लेकिन लोग भाग रहे हैं आजकल, बस महावास्तु हो गया या एक दो वास्तु है उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वास्तु कोई सीखना नहीं चाहता। देखिए जब तक फाउंडेशन नहीं सीखेंगे ना तो ऊपर पर का वास्तु नहीं आएगा। वो सब एडवांस के टेक्निक्स हैं, जो महावास्तु सीखते हो या जो और वास्तु आप सीख रहे हैं, जब तक आप बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल नहीं सीखेंगे। और वहां पर सारी गाइडलाइन दी गई है, वो तो कहते हैं कि रेमेडी कुछ होती नहीं है, कहते हैं हमारी जो गाइडलाइंस है वो पालन कर लीजिए, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। अब दूसरा हमारा चैप्टर होता है साइट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ साइट, सराउंडिंग्स आपकी कैसी है ये देखा जाता है। इतनी बड़ी चीज है, सोचो कि आपको पहले सराउंडिंग भी देखी जाएगी, कहाँ देखना है, साइट साइट को एग्जामिनेशन करना पड़ता है। विति शूल एक टर्म्स है, वो आपको कोर्स में आएंगे तब बताऊंगा। फिर काकनी संख्या, काकनी संख्या का मतलब है क्लासिकल मेथड फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लक्की कंट्री।
कौन सी देश आपके लिए सूट करता है, कौन सी सिटी, कौन सा टाउन, कौन सा सेक्टर, कौन सा प्लेस। सोचो इतनी बड़ी बात है, आपने सोच सुना भी नहीं होगा ये सब चीजें कि वास्तु में कहां से आ जाएगा। ये वास्तु वाला कौन बताएगा भाई आपको, ये आपको ये आशीर्वाद सोसाइटी सूट करती नहीं करती, आपको दिल्ली सूट करता नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिर ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस अकॉर्डिंग टू योर ऑनर्स जॉडियक साइन, तो आपकी जो जॉडियक साइन है उसके हिसाब से आपको कौन सी लकी डायरेक्शन आपको सूट करती है, तो ये आपको उसके अंदर बताया जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट थर्ड, शेप इन वास्तु। अब देखिए, मान लीजिए आपने मकान बना लिया और आपके मकान की शेप इस तरह की है जो कि ऑस्पिशियस ही नहीं है, मान लीजिए पेंटागन शेप है, ऑक्टागन शेप है, ये शेप अच्छी नहीं मानी जाती, और आपने इसी शेप में मकान बना लिया। अब आप जितने मर्जी, मैं कहता हूं वर्ल्ड के दी बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट से अपनी कंसल्टेशन करा लेना, जो दोष इस शेप के हैं उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए होता है ना कि पहले ही कंसल्ट कर लो, जब बना मकान बना रहे हो या कोई आप बने बनाए मकान में शिफ्ट कर रहे हो, तो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट तब करना चाहिए, बाहर में नहीं, खरीद लिया बना लिया उसके बाद वास्तु वाले के पास जाते हो, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है आपके पास आपका कि कंसल्टेंसी लेनी है शुरू से लो। तो शेप अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बहुत तरह की शेप होती है, रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप्स है, ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस शेप्स होती है, कुछ कुछ शेप ऐसी है जो प्राइवेट अपने मतलब कमर्शियल लेवल से अच्छी होती है, कुछ रेजिडेंशियल पर्पस से अच्छी है। ठीक है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। फिर कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ठीक है, एंड ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कौन सी शेप अच्छी होती है, कौन सी शेप अच्छी नहीं होती, विद लॉजिकल आपको बताया जाएगा। जैसे कि वहां पर लिखा है क्लासिकल में स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट, सिंपल लिख दिया, और रेक्टेंगुलर में लिखा है कि लेंथ और विड्थ 1:2 के रेशियो में होना चाहिए, वो आपका दी बेस्ट प्लॉट है। अब इसके मतलब है वहां पर, अब मैंने जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर एक 100 गज का प्लॉट है, मेरा भी 100 गज प्लॉट है, आप में से किसी का भी 100 गज प्लॉट है, मैंने साइज लिया स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 900 स्क्वायर फीट होता है 100 गज में, 30x30 का प्लॉट मेरा है और आपका प्लॉट है 15x60, तो दोनों का स्क्वायर आपका रेक्टेंगुलर है 15x60, यानी कि 1:4 की रेशियो में आपकी लेंथ और विड्थ है, मेरा है स्क्वायर 30x30 का प्लॉट, तो अगर मैं उसको कंस्ट्रक्शन, हम दोनों आप और मैं अगर कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो एक फ्लोर बनाने में अगर मेरे 1,00,000 खर्च होते हैं, उसी एरिया को आपको बनाने के लिए कम से कम 12 या 12.5 लाख रुपए खर्च हो। अब आप बोलेंगे दोनों का एरिया तो सेम है, फिर पैसे खर्च कैसे ज्यादा हो, तो आप कोर्स में आएगा तब बता देंगे। तभी मैं एक बिल्डर मेरे साथ पढ़ने आए थे 2014-15 में, वो कहते हैं सर अगर मैं पहले आपसे पढ़ने आ गया होता तो मैं करोड़ों रुपया तो कंस्ट्रक्शन में कमा गया होता, जो आपने मेरे को क्लू दे दिया है। तो वहां पर क्लासिकल टेक्स्ट में आपको शॉर्ट में लिखा होगा उसके मीनिंग क्या है, वो आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये शेप्स बेस्ट बताई है। और ये तो एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है जिसको हर इंसान समझ लेगा, मनी मैटर कि भैया पैसे बचते हैं, और बाकी जो जोनिंग है उसमें हमारी जो बैलेंसिंग होती है पांचों तत्वों की, वो तो अलग चीज है, तो टेक्निकल टर्म्स है वो अलग चीज है, लेकिन मनी प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके कब से पैसे बचते हैं, तो इतनी बड़ी बात है। फिर सर्कुलर शेप है, इस सारे शेप के मतलब क्या है। फिर आपने सुना होगा शेरमुखी और गौमुखी, अब इसके ही बड़े गहरे मतलब है, आपने सुन तो लिया शेरमुखी खराब है जी, गौमुखी खराब है, कोई दिशा खराब नहीं होती, कोई शेप खराब नहीं होता, उसका पर्पज क्या है। गौमुखी प्लॉट है तो किसके लिए बढ़िया है, शेयरमुखी प्लॉट है तो कमर्शियल के लिए बढ़िया है, रेजिडेंशियल के लिए बढ़िया है, इंडस्ट्रियल के लिए बढ़िया है, तो आपको सिखाया जाएगा इसके मीनिंग क्या होते हैं और उनसे शेप, उनसे एक्टिविटी के लिए दी बेस्ट मानी गई। फिर इस तरह से यू शेप की बिल्डिंग्स होती हैं, एल शेप की बिल्डिंग है, एक शाल, द्विशाल, त्रिशाल, मतलब 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग प्रोमिसेस में होती है, तो उसके क्या मतलब, वो आपको सिखाया जाएगा। और ये कोर्स कंटेंट आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, चाहे महावास्तु से कंपेयर कर लेना, किसी से कंपेयर, इतना कोई पढ़ा नहीं सकता। प्लॉट, नेक्स्ट टॉपिक है वास्तु प्लॉट, प्लॉट एंड इट्स लोकेशन, पहले प्लॉट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, साइज, स्लोप, शेप, हर चीज काउंट करती है कि आपने जो प्लॉट परचेज किया है उसका स्लोप, उसका स्लोप होता है नेचुरल स्लोप, वो किस तरफ है जब आपने खरीदा था, फिर जब आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसका स्लोप किस तरफ दिया है, ईस्ट की तरफ दिया है, नॉर्थ की तरफ दिया है, वेस्ट की तरफ दिया है, साउथ की तरफ, किसकी तरफ दिया है, इसके बड़े गहरे मतलब है, पहले बता रहा हूं मैं, बहुत गहरे मतलब है इन सब चीजों के, ये आपके ऊपर अफेक्ट करता है। फिर आपका 1 साइड प्लॉट है, 2 साइड प्लॉट है, 3 साइड 4 साइड प्लॉट है आपका ओपन, उसमें से आपने कहां पर एंट्रेंस ले लिया, मान लीजिए किसी का सबसे वर्स्ट प्लॉट उसने ले लिया, वर्स्ट प्लॉट क्या होगा आपका, अगर आपका प्लॉट नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आपकी गली क्लोज्ड है तो समझ लीजिए आपका प्लॉट दी वर्स्ट है, और उसमें से भी वो और वर्स्ट हो जाएगा अगर आपने अपना घर का मेन गेट वेस्ट में बना लिया। ठीक है, तो पहली बात आपके मान लीजिए 3 दिशाएं आपके खुली हैं, तो वहां पर कहां पर मेन डोर बनाना चाहिए, 3 दिशाएं खुली है, 3 साइड ओपन है,
तो तीनों साइड में कहीं भी आप अपने मेन डोर बना सकते हो, लेकिन कहां पर दी बेस्ट होता है बनाना तो आपको बताया जाएगा। फिर होता है एक मेन डोर एक बैक डोर, तो कहां पर मेन डोर बनाना चाहिए कहां पर बैक डोर बनाना चाहिए। और ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं, कभी भी मेन डोर और बैक डोर सेम साइज के नहीं होने चाहिए, हमेशा बैक डोर छोटा बनाना चाहिए। ये मैं आपको छोटा छोटा क्लू दे रहा हूं। और कभी भी आपके मेन डोर से अगर आपका बैक डोर नजर आता है, इससे बड़ी मतलब आपने वायलेशन नहीं हो सकती कोई वास्तु। ये बहुत मतलब समझिएगा आपके जीवन में ये चीज है कि जितना पैसा आ रहा है सारा सारा जा रहा है, मतलब घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, इनकमिंग हो रही है नो डाउट, लेकिन सारी जितना आएगा उतना निकल जाएगा। तो कभी भी मेन गेट से आपका बैक डोर नजर नहीं आना चाहिए, और मेन गेट जितना बड़ा हो उससे हमेशा छोटा आपने बैक डोर बनाना। तो ये आपको सिखाया जाएगा कौन से कहां पर बढ़िया होता है, ठीक है। फिर भूमि परीक्षा। अब भूमि परीक्षा, अब किसी को पता ही नहीं आप बने बनाए फ्लैट में रह रहे हो, या किसी ने बिल्डर ने दे दिया बना दिया। अब आपको ये नहीं पता कि जो भूमि पर मकान बनाया गया है, बिल्डिंग खड़ी है, वो उसकी सॉइल टेस्टिंग की है नहीं की है, उसमें डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अगर डेंस प्लॉट नहीं होगा तो दो तीन साल में आपका प्लॉट बैठना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने लैंड को परचेज किया तो पहले उसकी डेंसिटी चेक की जाती है, और किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं से बता दूंगा कैसे उसको चेक करना है, ठीक है। आपने देखा कुछ टाइम में आप मकान बनाते हो, फिर क्या होता है कुछ सालों बाद आपके खिड़की दरवाजे अटकने शुरू हो जाते हैं, आवाज करना शुरू कर देते हैं, खिड़कियां बंद नहीं हो रही, दरवाजे प्रॉपर बंद नहीं हो रहे, ठीक है। ये इसका मतलब यह है कि वो जमीन बैठ गई है, डेंसिटी अच्छी नहीं थी उस पर। तो पहले इसकी क्या, पहले तो देखो डेंसिटी अच्छी है नहीं है उसकी, फिर रेमेडीज क्या कर सकते हैं वो सारा बताया जाएगा। इसके बाद है ग्रिड फॉर्मेशन। वास्तु के अंदर एक पद विन्यास से लेकर 1024 पद विन्यास तक एक इसकी टर्मिनोलॉजी है, अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो एक पद से लेकर 1024 पद तक हम ग्रिड बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो वास्तु की जो रिकमेंडेशन है रजिस्ट्रेशन पर्पस से वो है 81 पद। तो 81 पद के मतलब क्या होते हैं, यानी कि आपका जितना भी एरिया है उसके 81 पार्ट बना लेते हैं हम छोटे छोटे, ठीक है। और उसके बड़े गहरे मतलब है, आप आएंगे क्लास में तब पता लगेगा। फिर उसमें आपके हर मकान के अंदर 45 डाइटीज यानी कि देवता रूल करते हैं, या इसको एनर्जी बोल सकते हैं कि 45 तरह की एनर्जी आपके घर के अंदर सर्वाइव करती है, या देवी देवता बोल सकते हैं। इन 45 में से 32 देवता आपके आउटर बाउंड्री पे रूल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपका मेन रोड कहां पर होना चाहिए। कोई दिशा बुरी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं ये आप लोगों में वहम है कि साउथ खराब है वेस्ट खराब है, लेकिन खराब तब होता है वो एग्जैक्ट जब एग्जैक्ट पद पर जहां पर आपका घर का मेन डोर आना चाहिए, अगर वहां पर मेन डोर नहीं है तब जाके वो वर्स्ट डायरेक्शन बन जाती है साउथ और वेस्ट। लेकिन दिशाएं सारी बुरी हैं अगर आपका मेन डोर करेक्ट पे नहीं है। ईस्ट भी खराब है आपका, अगर मेन डोर जहां पर होना चाहिए और वहां पर मेन डोर नहीं है तो ईस्ट भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। तो आपको सिखाया जाएगा 81 पद होते क्या है, बनाते कैसे हैं इसके, और इसके मतलब क्या है। ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त 80 पद वास्तु विन्यास को देखा जाता है कि कहां पर पिलर आना चाहिए, कहां पर बीम आना चाहिए, कहां पर दीवार आनी है, कहां पर क्या आना है, ठीक है। ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर 45 देवता ये एनर्जी है आपके घर के अंदर सर्वाइव करती हैं, तो इनके मतलब क्या है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। इतना कोर्स कोई नहीं कराएगा आपको। फिर आपकी डिसेंडिंग द डायरेक्शन, फिर आपके 10 डायरेक्शन होती है, इनके मतलब क्या है, मैग्नेटिक कैंपस से कैसे आप डायरेक्शन को मेजर करेंगे, फिर जो एक्चुअल साइट पर आपने डायरेक्शन मेजर की है उसको मैप पर कैसे मार्क करेंगे, और मैप पर कैसे आप 16 जोन बनाएंगे। तो आपको 4 जोन 8 जोन 16 जोन बनाकर बताया जाएगा, उन 16 जोन के मतलब है क्या है वो भी आपको सिखाया जाएंगे। फिर कैसे कंपास से दिशा लेनी है, उस दिशा को एक्चुअल साइट से लेकर और आपने अपने मैप पर कैसे मार्क करना है, ये सारा सिखाया जाएगा। फिर कहां पर लोड होता है, ज्यादा वजन कहां रखना है अपने अपने घर के अंदर, आपके घर में रोशनी कहां से आ रही है, ठीक है, कौन सा गर्म जोन है आपके घर का, कहाँ पर लोड डाल सकते हो, कहाँ स्लोप है, कौन से कलर किस दिशा में कौन से कलर यूज करने हैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन से कलर यूज करने चाहिए, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये तो क्लासिकल मेथड है, हाँ नेक्स्ट है मेन जो सब्जेक्ट है हमारा पंच महाभूत दुख वास्तु। इसका मतलब यह है जो वास्तु के जो प्रिंसिपल है, जो वास्तु पूरा काम करता है, वो पंच महाभूत जिसको बोला गया फाइव एलिमेंट थ्योरी है। फाइव एलिमेंट कौन से हैं आपके, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। जिसको ये पांच एलिमेंट समझ में आ गए उसको वास्तु समझ में आ जाएगा। और ये पांच एलिमेंट की कोई बुक नहीं बनी जो आपको सिखा सके, ये कोई गुरु सिखा सकता है या आपका एक्सपीरियंस सिखाता है, ठीक है। और ये पांच एलिमेंट ज्योतिष में भी होते हैं, ये पांच एलिमेंट आयुर्वेदा मेडिकल साइंस में भी है, और ये पांच एलिमेंट वास्तु के अंदर भी। वास्तु छोटा मत समझिएगा, वास्तु इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपके हेल्थ इशू कहां से आ रहे हैं वो भी वास्तु से पता लगा सकते हो।
और यही पांच तत्व आपके ज्योतिष के अंदर भी होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनके मतलब क्या है और ये आपके घर के अंदर कहां पर रूल करते हैं, ये सारा आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका त्रिगुणा वास्तु, त्रिगुणा वास्तु मतलब तीन तरह की एनर्जी आपके घर के अंदर फ्लो करती है, सात्विक एनर्जी, राशिक एनर्जी और तामसिक एनर्जी। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी कहां फ्लो करती है और उसका हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कौन सी एनर्जी में हमें सर्वाइव करना चाहिए, या कौन सा काम, इतनी सारी एक्टिविटी करते हो घर के अंदर, आप पढ़ाई कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, बेडरूम में आपका सो रहे हो, किचन है, तो कौन सी एनर्जी किस काम के लिए दी बेस्ट है, तो इन्हीं सब चीजों को देखकर रूम डिजाइन किए जाते हैं कि कौन सी चीज कहां पर बनाई जाती है। ऐसा नहीं है वास्तु, हर चीज का लॉजिक होता है वास्तु में। इसके बाद है कलर वास्तु। कलर वास्तु में क्या है, आप अरेंजमेंट ऑफ कलर, जैसे कि बता चुके हैं कि भाई कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए पहली बात, फिर कुछ एक्टिविटी करने के लिए कौन से कलर आप करा सकते हैं। मान ले बेडरूम है, और बेडरूम भी आपका चार पांच तरह के बेडरूम हो सकते हैं आपके पास, एक आपका मास्टर बेडरूम है, एक ओल्ड एज कपल का बेडरूम है जो आपके पेरेंट्स हैं, एक बच्चों का बेडरूम हो सकता है, एक आपका मान ली कोई यंग कपल है घर के अंदर, नई नई शादी हुई, न्यूली मैरिड कपल है, उसका बेडरूम हो सकता है, सर्वेंट रूम हो सकता है, गेस्ट रूम हो सकता है, तो सब कहां पर होने चाहिए विद लॉजिक। दूसरा कलर कम्बिनेशन, जो वहां पर इंसान है उसके हिसाब से कलर चूज किए जाते हैं। ओल्ड एज कपल है तो उनके कलर अलग होंगे, मास्टर बेडरूम है आपके कलर अलग होंगे, यंग कोई कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, उसके कलर अलग होंगे, और जो बच्चा है उसके कलर अलग, कम्बिनेशन अलग होंगे। तो विद लॉजिक क्यों वहां पर वो कलर किए जाते हैं, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर है वास्तु फॉर वाटर सप्लाई। अब आपके घर के अंदर जितनी भी वाटर सप्लाई है, अंडरग्राउंड वाटर है, ओवर टैंक्स है, जितने भी आपके वाटर सप्लाई है उसका वास्तु। इसके बाद है आपका सीवेज वास्तु, कहां पर डिस्पोजेबल करना है आपने, तो वो कहां पर आप करेंगे एज पर वास्तु प्रिंसिपल, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर है 16 सेक्टर वास्तु, यानी कि 16 जोन वास्तु। अब ये जिसको वो लोग महावास्तु कहते हैं ना, यहां से आपका महावास्तु शुरू होता है। सोचिए मतलब 12 पहाड़ जो आप तक कर चुके हैं वो कोई नहीं बताने वाला, ये जो महावास्तु में 16 जोन होते हैं यहाँ से उनका वास्तु शुरू होता है, और पिछला बार कुछ नहीं पढ़ाते हुए, तो हम तो पहले भी सारा कुछ पढ़ाते हैं आपको। इसके बाद है विश्वकर्मा प्रकाश ने 5x5 की ग्रिड बताई है जिसमें 16 कमरे बताए गए हैं, और उनके मतलब क्या है, जो 16 कमरे बताए गए हैं वही महावास्तु वाले इनको 16 जोन वास्तु बोलते हैं। इसका मतलब यह है कोई नई चीज नहीं सिखा रहे हो, या वो अगर हम उनको बोले कि उन्होंने कोई नई चीज ईजाद कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो ट्रेडिशनल वास्तु में उनको 16 कमरे बोलते हैं, और यहाँ पर वो 16 जोन बोलते हैं या 16 तरह की एनर्जी बोलते हैं, भाई इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बात यह है कि वो 5 स्टार में पढ़ते हैं और फिर फीस उनकी 1-1.5 लाख रुपए, तो आपको लगता है हाँ यार बहुत कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे वास्तु का 10% पार्ट है महावास्तु, जितनी वो बताते हैं महावास्तु के अंदर जोनिंग कैसे करनी है, कैसे अपना बार चार्ट बनाना है, कैसे तत्वों को बैलेंस करना है, वो सब चीज अपने कोर्स में करा रहा हूँ, ठीक है। और 10% पार्ट है, बाकी 90% पार्ट तो दूसरा है हमारा, तो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर है डोर वास्तु। अब जैसे कि आपके घर के अंदर कितने डोर और विंडोज होने चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको कितने नंबर ऑफ डोर, नंबर ऑफ विंडोज कितनी होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तु एंड ट्री एंड प्लांट्स। तो आपका मान लिया गार्डनिंग आपने करनी है, ठीक है, रॉक गार्डन बनाना है, टेरेस गार्डन बनाना है, अपने ट्रीज एंड प्लांट लगाने हैं, तो कौन से ट्रीज आपके किस जगह लगेंगे। ये नहीं कि कोई भी प्लांट आपने लगाना है तो ईस्ट में लगा सकते हैं, ईस्ट में कौन से लगते हैं, नॉर्थ में कौन से लगते हैं, वेस्ट में कौन से लगेंगे, साउथ में कौन से लगेंगे, ये आपको पूरा बताया जाएगा। इसके बाद है अप्लाइड रेजिडेंशियल वास्तु। इसका मतलब है जितना आपने अब तक पढ़ा है इसको ध्यान में रखते हुए अब आपके घर को हम डिजाइन करेंगे। अब घर के अंदर आपके क्या हो सकते हैं, बेडरूम होगा, ठीक है, बेडरूम हो सकता है, प्रेयर रूम होगा, किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम। बेडरूम पता है 5 तरह के, घर में आप बाहर बनाना चाहते हो, गेस्ट रूम बनाना है, स्टडी रूम है, स्टोर रूम है, स्टेयर केस कहाँ बननी चाहिए, बालकनी कहाँ निकलेंगी ज्यादा से ज्यादा, कहाँ पर कैश बॉक्स रखना है अपने, वर्किंग टेबल कहाँ कैसी होगी, गैरेज कहाँ बनाना है, सर्वेंट क्वार्टर कहाँ बनाने हैं, ठीक है, वॉचमैन कहाँ बैठाना है आपने, तो सारा चीजें आपको विद लॉजिक के साथ, कहाँ पर बेस्ट है, कहाँ पर सेकेंड बेस्ट है, कहाँ पर वर्स्ट है, और विद लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद है कि ऑलरेडी अगर मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने बने बनाए मकान में रह रहे हो, तो उसके कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करनी है तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन को आपने ध्यान रखना है परचेज करते वक्त। अगर आप शुरू से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई बना बनाया मकान परचेज कर रहे हो तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि भाई हम क्या क्या चीजें को आप गाइडलाइन का फॉलो करेंगे और क्या क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए, उसको देखकर आप अपने कोई किसी फ्लैट को, बने बनाए फ्लैट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सारे बने बनाए मकान में जाते हैं, मतलब खुद ही बनवाते हैं, आजकल लोग बने बनाए मकान भी ले लेते हैं, तो उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा मकान दी बेस्ट है, वहां पर कौन कौन से वायलेशन नहीं होने चाहिए, तो आपको बताया जाएगा।
फिर एक्चुअल केस स्टडी आपको बताई जाएगी कि मान लीजिए मैप पर हम काम करेंगे तो मैप से कैसे काम करना है, मैप पर कैसे काम किया जाता है, और नक्शा देखकर कुंडली देखकर कैसे बताया सकता है कि इसके जीवन में ये फॉल्ट किया है तो ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आएगी, या अगर किसी कोई बता दे कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है तो हम यहाँ से बिना मैप देखे बता सकते हैं कि कौन सी दिशा उसकी खराब, ये आती है एक्सपीरियंस से। फिर हम आपको ये भी समझाने वाले हैं कि ज्योतिष में जो कुंडली बनती है उसका रिलेशन सीधा सीधा आपके वास्तु से आता है, यानी कि आपके घर की जो दिशाएं हैं वो कुंडली में किस ना किसी भाव को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपके वास्तु का सीधा दर्शन आपकी कुंडली से होता है, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद है लास्ट में वो सारे हम आपको रेमेडीज बताने वाले हैं कि अगर बच्चा की पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, बच्चा लेथार्जी है, रिलेशनशिप खराब है, घर में मनी फ्लो कम है, शादी नहीं हो रही बच्चों की, मिसकैरेज हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप इशू है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे थोड़ी थोड़ी रेमेडी कर आप इन सब चीजों को, इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो अपने जीवन, तो ये आपको सारा सिखाया जाएगा। इसके बाद जो रेमेडी बताने वाला हूँ, इतनी रेमेडी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एक कोर्स के अंदर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने सारी रेमेडीज इसमें डाल दी है। तो हमारी जो रेमेडीज है, वैदिक वास्तु की रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। वैदिक वास्तु में मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि, इन पांच तरह से वैदिक की कोई भी रेमेडी की जा सकती है। तो वैदिक वास्तु में इन सब का यूज करते हुए कौन से मंत्र, कौन से यंत्र, कौन सा दान आप करें जिससे कि वैदिक वास्तु की रेमेडी आप कर सकते हो। कोई वॉलेशन आपने किया है अपने घर के अंदर तो वैदिक वास्तु से आप रेमेडी कर सकते हो। दूसरा है महावास्तु, तो 16 जोन की जो रेमेडी है, जितनी उन्होंने रेमेडी बताई है उससे फालतू में रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। 16 जोन बनाए कैसे जाते हैं, जोनों को बैलेंस कैसे करना है, कैसे बार चार्ट बनाना है, कौन सा कोई हिस्सा बड़ा हुआ है तो उसको कैसे कंप्रेस करना है, और इसके अंदर साथ साथ मैं आपको फेंगशुई की रेमेडी बताने वाला हूँ, और फेंगशुई थोड़ा सिखाने भी वाला हूँ, ये भी मतलब है यहाँ पर, फेंगशुई की रेमेडी बताने वाला हूँ और फेंगशुई कैसे वास्तु, मतलब कुछ रेमेडी बहुत अच्छी है फेंगशुई के अंदर और उसको अपने ट्रेडिशनल वास्तु में कैसे यूज करेंगे वो भी आपको सिखाने वाले हैं। फिर न्यूमरोलॉजी से कैसे रेमेडी करेंगे, लो शू ग्रेड थोड़ा सा बताने वाला हूँ, और उसके नंबर से आपके डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे अपना वास्तु ठीक कर सकते हो, ये कोर्स में हम ये भी बताने वाले हैं। फिर लाल किताब की कुछ रेमेडीज है वो आपको सिखाई जाएंगी। फिर पैरामिड से वास्तु, पैरा वास्तु यानी कि पैरामिड से कैसे वास्तु को ठीक करें आप पैरामिड की हेल्प लेकर, ठीक है, ये अपने आप में सारे कोर्स हैं, मैं इनकी रेमेडी बता रहा हूँ आपको और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया भी जाएगा। तो पैरामिड से कैसे वास्तु रेमेडी करेंगे, जियो वास्तु, ठीक है। फिर कलर से रेमेडी कैसे की जाती है, रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करेंगे आप, कोई वास्तु फॉल्ट है तो कैसे रेमेडी करेंगे आप, कलर से कर सकते हो, रुद्राक्ष से कर सकते हो, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल से कैसे रेमेडी करेंगे, कोई भी वास्तु फॉल्ट है और उसके अंदर मैं कोई वास्तु फॉल्ट है तो उसके सारे सभी तरीकों से कैसे उस दोष को दूर किया जा सकता है। फिर आपकी मर्जी है, कमर्शियल एंगल से आप कोई भी दो रेमेडी क्लाइंट को दे सकते हो। फिर ट्रीज एंड प्लांट से कैसे रेमेडी करेंगे, तो 11 तरह की रेमेडी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें, और इतनी कोई नहीं सिखाने वाला, ठीक है जी। तो ये हमारा छोटा सा कोर्स था और अब मैं 5 मिनट सिर्फ वास्तु की बात कर और फिर आपके इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो कल से बैच शुरू हो रहा है, 16 मई से बैच हमारा शुरू है, टाइमिंग है 4 to 6, तो एवरी संडे क्लास होगी, संडे हम क्लास करेंगे। 3 महीने का कोर्स हमने रखा है, फीस आपसे 3 महीने के लिए जाएगी, मतलब 5,000 रुपये महीना है, 15,000 प्लस में 18% GST है, लेकिन हो सकता है 3.5 या 4 महीने कोर्स चल जाए क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है तो 2-3 क्लास एक्स्ट्रा हो जाती है कई बार, तो उसकी आपको फीस नहीं ली जाएगी, फीस आपसे 3 महीने की ली जाएगी। तो 5,000 रुपये पर मंथ, और वो भी हम फीस इकट्ठी नहीं ले रहे क्योंकि कोरोना टाइम है, सबको फाइनेंशियल कोई ना कोई दिक्कतें आ रखी हैं, हम फीस भी आपसे टुकड़ों में ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, 16 मई कल से बैच शुरू है, संडे से एवरी संडे क्लास होगी, संडे टू संडे क्लास होगी 4 to 6, और 5,000 रुपये महीना आपने सिर्फ देकर कोर्स को पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए एक ऑफर है, जो भी कोई कोर्स इस कोर्स में हमारे एनरोल होता है, मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 7,500 रुपये इसकी फीस है, एस्ट्रो वास्तु, ठीक, एस्ट्रो वास्तु बहुत लोगों ने सुना होगा कि एस्ट्रो वास्तु, लोग कहते हैं जी एस्ट्रो वास्तु पढ़ा दो, तो हमने अगले महीने इसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी फीस है 7,500 रुपये। जो भी मेरे अभी इस एडवांस वास्तु में एनरोल करता है उसको ये 7,500 रुपये का कोर्स फ्री में हम उसको एनरोल कर रहे हैं, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये ऑफर है, आगे कभी जीवन में कभी ऑफर नहीं आने वाली। अगर आपने कभी भी एस्ट्रो वास्तु पढ़ना होगा तो पैसे देकर पढ़ना होगा, अभी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको ऑफर मिल रही है कि अगर आप मेरे इस वास्तु के कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 7,500 रुपये का जो कोर्स है अगले महीने लॉन्च होगा मेरा, तो ये आपको फ्री में ऑफर मैं कर रहा हूँ, और ये भी पहले सिर्फ 20 बच्चों के लिए है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं कि अगर 40 बच्चे एनरोल कर लेते हैं सबके लिए, सिर्फ फर्स्ट 20 जो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनके लिए ये ऑफर है, 7,500 रुपये का जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है आपके लिए फ्री है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहता है पढ़ाने का, ऐसी स्लाइड्स और पीपीटी रहेंगी, और जो
कोर्स मटेरियल रहेगा हमारी तरफ से भेजा जाएगा, आपको ई सर्टिफिकेट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट, आपको पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको मान ली कोई क्लास मिस हो गई है, कुछ समझ नहीं आई, तो उसको वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, और हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप बना रहता है और आप लाइफ टाइम के लिए हमसे एनरोल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट के मतलब यहाँ बड़े, ऐसा नहीं है। आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा कि क्यों मेरी 10 लाख खर्च होंगे और आपके क्यों 12-15 लाख खर्च होने वाले सेम एरिया के लिए, इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, वो सारा आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, वास्तु के अंदर मेनली 10 दिशाएं जैसे मैंने बताई थी, इन 10 दिशाओं में से भी जो मेन डायरेक्शन है वो है 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और 4 हमारी है डायगोनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन 8 दिशाओं के कुछ प्लेनेट रूल करते हैं और कुछ देवता रूल करते हैं इन दिशाओं। तो जिस तरह का वायलेशन आपने जिस दिशा में किया होगा, वायलेशन कई तरह से होता है। मान लीजिए आपकी वो दिशा कट गई है, जहां पर जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी आप उस दिशा में वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो दिशा खराब हो जाती है। जैसी कोई दिशा खराब होगी, दिशा कभी खराब नहीं होती, वहां के जो लॉर्ड है या जो प्लैनेट रूल कर रहा है उसकी एनर्जी आपके घर को नहीं मिल रही। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ने नॉर्थ दिशा को खराब किया, वहां पर जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जो कलर कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो आप सब चीजें वायलेशन कर रहे हो उस दिशा का, तो क्या होगा वहां पर, क्या मरकरी रूल करता है और कुबेर महाराज वहां पर रूल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मरकरी आपके घर में देने वाला है वो नहीं देगा। मरकरी क्या इंटेलिजेंस है, मरकरी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो दूसरा, अगर कुंडली की भी बात करें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन आपके कुंडली के 4th हाउस को अफेक्ट करती है। इस नॉर्थ दिशा का आपके कुंडली के 4th हाउस से सीधा सा रिलेशन है, और कुंडली का जो आपका 4th हाउस होता है, एक तो माँ का घर बोला गया उसको, और एक सुख स्थान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स सारी सारी वहीं पड़ी हुई है 4th हाउस में। इसका मतलब है किसी भी तरह का वायलेशन अगर आप नॉर्थ में करते हैं तो आपने अपनी कुंडली का 4th हाउस खराब कर दिया। इसका मतलब है जीवन में खुशियों से वंचित रह जाओगे, जीवन में अपॉर्चुनिटी आपके पास कम आएंगी, माँ का सुख कम मिल सकता है। तो ये सारी सारी प्रॉब्लम आपके यहाँ से पहुंचा रहे। दूसरा, नॉर्थ में मरकरी है, मरकरी की आपकी इंटेलिजेंस है, तो आपकी बुद्धि खराब हो सकती है, होता ना इंसान किसी गलत संगत में फंस चला जाता है, वो जा सकते हो, ठीक है। मरकरी क्या आपके नर्वस सिस्टम पे रूल करता है, तो आपका जितना नर्वस सिस्टम है वो आपका मरकरी रूल करता है उसके ऊपर, तो कोई ना कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आपके घर में किसी को हो सकती है। दूसरा, मरकरी आपके स्किन का कारक है, तो आप में से किसी फैमिली मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुबेर महाराज क्या करते हैं, ये धन देने वाले नहीं है, धन तो लक्ष्मी जी देती है, धन कहीं और से आता है आपके घर के अंदर। ये है कुबेर, आपके कैशियर, आपके धन का केयर टेकर, आपकी एसेट्स का केयर टेकर है ये। तो इसका मतलब है अगर ये दिशा खराब कर दी तो कुबेर महाराज भी दुष्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि आप जीवन में कभी भी धन को एक्युमुलेट नहीं कर पाएंगे, धन जमा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकली मैं आपको चीजें बताता हूं और तब आप सीख पाते हैं, और फिर नक्शे पे काम किया जाता है, दिशाएं कैसे निकालनी है, जोन कैसे बनानी है, आपने हाथ से जोनिंग करनी दिखाऊंगा, कंप्यूटर से तो आप किसी टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कैसे जोनिंग करनी है, 16 जोन कैसे बनेंगे अपने हाथ से, कैसे ग्रिड बनेगी, कैसे आपके बार चार्ट बनेगा, कैसे उसको बैलेंस करना है, सब चीज हमारे कोर्स में सिखाया जाएगा। ये इस तरह से आपको कहाँ लाइट जोन है, कहाँ रोशनी रहती है, कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है, सूर्य ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छिप जाता है, सबको पता है, लेकिन साल के 2 दिन ऐसे होते हैं जब एग्जैक्ट सन ईस्ट से निकलता है, पढ़ लेना साइंस को। फिर कौन सा ठंडा है, आपके घर के अंदर कुछ जोन होंगे जो ठंडे रहते हैं हमेशा, कुछ है जहां पर हमेशा गर्म रहते हैं, तो उनका यूज कैसे करना है। फिर ये है 5 एलिमेंट थ्योरी, कि वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, और बीच में है स्पेस एलिमेंट। जिसको ये 5 एलिमेंट समझ में आ गए वो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। ये 5 एलिमेंट की थ्योरी बहुत ही कहते हैं पूरा का पूरा वास्तु इसी के ऊपर दामोदर है। ये बोला गया वास्तु के अंदर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, यानी कि जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बनाया है, इसी 5 तत्वों से ये घर बनाया और इसी 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है। तो सीधा सीधा इन 5 तत्वों का रिलेशन आपकी बॉडी से आता है, आपके घर से आता है और आप इस ब्रह्मांड से आता है, ठीक। तो ये मतलब है। तो अब ये देखिए साउथ ईस्ट में यहाँ पर क्या है, ये अग्नि देवता घर है, यहाँ पर जगह है, फायर का जोन है सारा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट का काम करेंगे तो फायर खराब हो जाएगी, और जैसी फायर खराब होगी तो फायर का मतलब होता है आपकी लिक्विड मनी, आपका जो फायर एलिमेंट है वो आपके घर की लिक्विड मनी है, जो इनकमिंग आपके घर में पैसा आ रहा है, दैट इज फायर एलिमेंट। दूसरा, अगर आपके घर का वाटर एलिमेंट खराब हो गया, यहाँ पर कोई मान लीजिए फायर का मैंने काम किया, यहाँ पर कोई फिक्स कंस्ट्रक्शन कर दी या ये कटा हुआ है, कुछ भी है, तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया आपके घर का,
जैसे ही आपके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब है वाटर एलिमेंट का रिलेशन किससे आता है, वाटर एलिमेंट का रिलेशन सीधा सीधा उस घर में रहने वाले लोगों के इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। वाटर का सीधा सीधा रिलेशन आपके इमोशंस से आता है। तो मतलब क्या, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में कोई फॉल्ट करेंगे आप, तो सीधा सीधा आपके घर के रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे घर में लोगों, ठीक है। और भी बड़ी चीजें होती हैं, यहाँ जुपिटर है, भगवान शिव है, केतु है, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, उसके रिजल्ट क्या रिजल्ट आएंगे वो सारा आपको विद लॉजिक के साथ सारी चीज समझाई जाएगी। ठीक है, वात पित्त का आप देखिए, मान लीजिए कोई बीमारी आपको किसी को हो रखी है, तो वो बीमारी जब तक नहीं दूर होने वाली, जब तक आप वास्तु के डिफेक्ट दूर नहीं करेंगे कोई बीमारी, क्योंकि घर में क्या है, कोई भी इंसान घर में है वो कम से कम 12 घंटे के आसपास घर के अंदर रहता है। और अगर कोई ऐसी बीमारी आपको हो रखी है किसी तत्व से, किसी त्रिदोष में किसी से आ रही है, और उसी के जोन में अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, या उसी के जोन में अगर आपका बेडरूम है, तो वो बीमारी कभी भी आपकी जड़ से दूर नहीं हो सकती। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी तो उसको ठीक कर दे। तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उन डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, वो आपका ये भी आपको कोर्स में सिखाया जाए। कहां पर लोड डालना चाहिए, कहां पर नहीं डालना, कहां पर मिनिमम लोड आएगा, कहां पर मैक्सिमम लोड आएगा, विद लॉजिक, लॉजिक के साथ साइंटिफिक तरीके से। हवा में तीर नहीं चलाते हम, क्योंकि मैं टेक्निकल इंसान हूं। फिर आपकी जो कुंडली है, वो कुंडली कौन से दिशा को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी कुंडली का पहला घर फर्स्ट हाउस होता है, ये आपके घर के ईस्ट राशि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपकी कुंडली का साउथ ईस्ट है, वो जो आपके घर का साउथ ईस्ट जोन है, वो आपकी कुंडली के 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और 11th हाउस क्या है, सभी तरह के गेन, जितनी भी तरह की प्राप्ति, जितनी तरह के गेन आपको होते हैं आपकी लाइफ में, वो 11th हाउस से होते हैं। इसका मतलब है किसी भी तरह का वायलेशन अगर आप अपने साउथ ईस्ट में करेंगे, तो लाइफ में गेन्स रुक जाएंगे आपके। तो ये कैसे कुंडली का रिलेशन वास्तु से आता है, ये सारा आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एस्ट्रो वास्तु अलग से पढ़ाने वाला हूँ, 7.5। ये वो एस्ट्रो वास्तु नहीं है, ये कुंडली वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु ये होता है कि मान लीजिए आपके घर के अंदर एक किचन बनी है, एक बेडरूम बना है, एक हॉल है, प्रेयर रूम है, स्टेयर केस है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, और स्टडी रूम है, सब बहुत सारी चीजें आपके घर के अंदर बनी है। तो वो हम एस्ट्रो वास्तु के अंदर हर एक कमरे को एक प्लेनेट के रूप में देखते हैं। जैसे कि जो आपके घर की किचन है, दैट इज मंगल, मार्स है वो, और जो आपका बेडरूम है, दैट इज वीनस। अब मान लीजिए किचन और बेडरूम साथ साथ बने हुए हैं, या किचन और बेडरूम आमने सामने है, कि किचन से बेडरूम नजर आता है, बेडरूम से किचन नजर आती है। इसका मतलब है आपके घर के अंदर मार्स एंड वीनस का योग बना हुआ है। अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो इसी तरह से आपके पूरे घर के अंदर जितने भी कमरे बने हैं, उनका रिलेशन, अभी कितने सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी का बना है किचन के साथ किसी की सीढ़ियां बनी है, तो सीढ़ियां क्या है, राहु, तो आपका मार्स और राहु का योग बन गया, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो ये है एस्ट्रो वास्तु, बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको पढ़ के, क्योंकि पहले तो हम ऑफलाइन तो पढ़ाते रहे, ऑनलाइन पहली बार मैं एस्ट्रो वास्तु को पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैंने आप जो इस कोर्स में मेरे एनरोल होते हैं उनको मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, आगे से फ्री आपको पेड पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑफर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलना है, ये सारी चीजें बताई जाती है आपको, कौन से नक्षत्र अच्छा है, कौन सा राशि आपके लिए, राशि के हिसाब से कैसे डोर सिलेक्शन करेंगे, आपके वर्न वर्न के हिसाब से आपका डोर सिलेक्शन किया जाता है, 45 देवता कहाँ पर रूल करते हैं, ये देखिए इस तरह के एक वास्तु पुरुष मिलता है, वास्तु पुरुष, ये 81 पद बनाए हैं हमने, है ना, कहाँ पर भीम आना चाहिए, कहाँ पर नहीं आना चाहिए। और ये वास्तु पुरुष है, ये बोला गया वास्तु पुरुष के जिस अंग पर आप वायलेशन करोगे घर के मुखिया का, वही अंग खराब होना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल दी हमने, तो आएंगे तो सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है। काग्नी संख्या निकलती है हमारे यहाँ, कैसे निकलती है, सारा फॉर्मूला आपको बताया जाएंगे कि आपका नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। कहाँ पर बड़ा होना, कहाँ पर, अच्छा दूसरा ये भी है, कुछ लोग 7 वाले प्रॉपर्टी परचेज हो रही होती है, खरीद लेते हैं, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर अपने प्लॉट को एक्सटेंड करना पड़ेगा और कहाँ पर रिडक्शन करना पड़ेगा। हमेशा कोई भी प्लॉट खरीदना अच्छा नहीं होता, तो आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि कौन सा प्लॉट बड़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो कहाँ पर आप परचेज कर सकते हो। फिर स्लोप, स्लोप के अपने मतलब है कि मान लीजिए आपके प्लॉट का स्लोप अगर इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट क्या आएगा, लक्ष्मी और विष्णु की प्राप्ति हो रही है आपको, श्री और शुक की प्राप्ति हो रही है। किसी के प्लॉट का अगर झुकाव आप देख लेना, झुकाव कैसे देखेंगे, छत पर जाना या अपनी बिल्डिंग के छत पर जाकर पानी गिरा देना, देखना धारा कहाँ जा रही है, पानी किस तरफ जा रहा है। अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, जैसे अभी किसी ने बोला था कि मकान में आग लगी थी, तो देख लेना कि आपके मकान का स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ तो नहीं है। तो जिन लोगों के मकान का स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ होगा, साउथ अगर ओपन ज्यादा होगा, तो आग दुर्घटना वहां पर लिखी। यार ये मैं नहीं कह रहा, क्लासिकल टेक्स्ट कहता है हमारा,
और ये सिर्फ हमारे यहाँ सीखने को मिलेगा आपको, कहीं कोई नहीं सिखाता इन सब चीजों को। फिर टाइप्स ऑफ रूम देखिए, ये 16 कमरे हमारे यहाँ बताए गए हैं, 16 कमरे, और इन्हीं को महावास्तु कहते हैं 16 एनर्जी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलती उन्होंने, ठीक है, एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी नहीं लेकर आए हैं वो। तो पूजा रूम, भंडार कक्ष, स्नान घर, दही मंथन, रसोई घर, घी तेल भंडार, शयन कक्ष, शौचालय, शस्त्र भंडार, अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष, रोदन कक्ष, पशुशाला, रति कक्ष, भंडार, औषधि कक्ष, ये 16 कमरे हैं। अब 16 कमरे का मतलब ही नहीं 16 कमरे बनाने ही आपको, ठीक है भाई, पहले लोगों को जगह थी तो जरूरत थी बनाते थे, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर ये कमरे क्यों बोले गए हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पर फ्लो करती है, सर्वाइव करती है, जो कि इस एक्टिविटी करने के लिए उसको सपोर्ट करती है। जैसे यहाँ पर घी तेल भंडार लिखा है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की एनर्जी फ्लो करती है कि घी तेल भंडार, जो घी तेल की आप प्रिजर्व करते हो, उसको एनहेंस करती है। ये दही मंथन कक्ष है, दही मंथन कक्ष, मथने का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ मिक्सी रख दी तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जी फ्लो करती है। दही मथने का मतलब क्या है कि आपने दही में से पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, बाकी क्या बचा, छाछ, जिसका कोई यूज नहीं है। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से दी बेस्ट रिजल्ट निकालना, यहाँ पर वो एनर्जी सर्वाइव करती है कि जहां पर जो भी काम आप करेंगे उस काम में से आप दी बेस्ट रिजल्ट को निकाल सकते हो, ये मतलब है। तो ये नहीं कि 5000 साल पहले लिटरेचर लिखा गया तो आप दही मंथन कक्ष यहाँ पर मिक्सी रखोगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये लोगों ने गलत फहमी है, या कुछ लोग बोलते थे कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख दें, पता नहीं कहाँ से लोग सीख के आते हैं और कौन सिखाने वाले हैं, भगवान जाने। इसका मतलब है वहां पर इस तरह की एनर्जी है, इसके बहुत अच्छे यूज कर सकते हो आप। अब यूज कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा कि इनको आज के कंटेस्ट में कैसे यूज करना है। औषधि का मैं नहीं कह रहा, आपने दवाई की दुकान खोल ली है वहां पर, लेकिन अब आपके घर में कुछ अपना जो दवाइयां रखते हैं तो इस जोन में रखो। और ये बता दूंगा आपको, ये जो एक तरीका होता है कि पहले तो वास्तु देखा जाता है पूरे प्लॉट का, फिर वास्तु देखा जाता है कंस्ट्रक्टेड एरिया का, फिर वास्तु देखा जाता है इंडिविजुअल रूम का, ठीक है। तो वास्तु को छोटा मत समझिए, रूम से लेकर पूरे प्लॉट, पूरे नगर तक का वास्तु हो सकता है। और कभी दिमाग लगाना तो सोचना कि हिंदुस्तान का वास्तु क्या है। एक बार जब हम बोलते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, और हिंदुस्तान का क्या उल्टा है, आप देखो नॉर्थ में पर्वत है और साउथ सारा खाली पड़ा हुआ, साउथ में सारा पानी है हमारे। और हमारा, मैं आपको पहले बता दिया वास्तु का सिंपल प्रिंसिपल, वो भी नोट कर सकता है इसको, जिसका नॉर्थ खराब होगा सब कुछ होते हुए भी उसको सुख नहीं मिलने वाला, या अपने सारे रिसोर्स का वो जीवन में यूज नहीं कर पाएगा। इंडिया का एग्जाम्पल लगा लो, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, पहाड़ है, वहां पर खाली होना चाहिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, हल्का होना चाहिए ना, वहां पर पहाड़ है, वहां पर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब नॉर्थ खराब हो गया हमारा। नॉर्थ खराब होने के क्या रिजल्ट बताए मैंने आपको, कि जब नॉर्थ खराब होगा, आपके घर का खराब हो, आपके देश का खराब हो, आपकी आपके स्टेट का खराब होगा, तो सब कुछ होते हुए भी आप उन सब रिसोर्स का 100% यूज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में क्या कमी है बताइए आप, सारे मिनरल, सारा सारा सारे मौसम, सारी वनस्पति, ठीक है, सारा रॉ मटेरियल, सब कुछ होता है हिंदुस्तान के अंदर, क्या नहीं है, सारा टैलेंट है हमारे पास, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं है हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब हम अपने टैलेंट का, अपने रिसोर्स का 100% यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, वास्तु खराब है, ठीक है, ये मतलब। तो वास्तु छोटा मतलब की है, वास्तु आपके कमरे से लेकर पूरे देश तक लगता है वास्तु। उस तरह की इंडस्ट्री कहीं पर क्यों सर्वाइव करती है वहां पर, उसके पीछे भी वास्तु काम करता है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी जगह पर लगती है, वहां प्रॉस्पेरिटी आती है, एक ही तरह की इंडस्ट्री लगी है सारी वहां, आप देखिएगा। तो इसका मतलब है जो एक्टिविटी वहां पर हो रही है उसके लिए वहां पर वास्तु परफेक्ट है, ठीक है। अब क्यों चांदनी चौक में इतनी भीड़ है, क्यों सदर बाजार चलता है, क्यों कनॉट प्लेस इतना बढ़िया प्रॉस्पेरिटी, आज भी देखिए कनॉट प्लेस के अपने चांस है दिल्ली के अंदर। तो हर चीज के मतलब है, तो आप आएंगे सीखेंगे, वो तो खैर कमर्शियल वास्तु में है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम, जैसे यहाँ पर 16 रूम है एंड देयर नेम एंड एज पर महावास्तु, तो यही रूम है, जैसे क्लासिकल में बोला गया पूजा घर, वहां पर बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, हम बोलते हैं भंडार घर, वो बोलते हैं फन एंड रिक्रिएशन रूम, ठीक है। तो थोड़े नाम चेंज कर दिए हैं, मतलब वही निकलते हैं, मतलब वही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जिसने भी कोर्स करना है तो कर सकता है, बेस्ट ऑफर है इसके बाद 7,500 रुपए का ऑफर, ये नेक्स्ट टाइम से नहीं रहेगा। और ये हर महीने मेरे कोर्स लॉन्च होते हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो और लाल किताब। अगर जिसने भी कोर्स भी कोर्स करना है तो प्लीज कंसल्ट कर सकते हैं, और डिटेल चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा दें। आप किसी कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज पहले वो हाथ खड़ा करेंगे, और आप जिस ग्रुप में बने हैं उस ग्रुप में बने रहिएगा। जो कोर्स का फीस है कैसे पे करनी है, आप गूगल पे कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो,
गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जैसे भी करना आप कर सकते हो। कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है। अभी पहले मैं उनके उनको क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो संडे की क्लास है क्या? कल से क्लास शुरू हो रही है हमारी, बताया आपको। संडे जो संडे की क्लास है, अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा प्लीज। आकाश गुप्ता, पीके जी आप अपने को म्यूट कीजिए, मैंने कर दिया वैसे। कोई अपने आप से अनम्यूट नहीं होगा प्लीज। हैप्पी जी आप भी अनम्यूट मत होइए प्लीज, म्यूट रखिए अपने आप। यस आकाश गुप्ता आप अपने आप एंड पे अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। आकाश, पीके, किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है पोस्ट रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हो आप सब लोग। मैंने आपको अलाउ की कर दिया है सर। संडे की संडे क्लासेस, संडे संडे क्लासेस सर, एवरी संडे। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे नहीं मैडम। अच्छा रितु मेहता, चलो बोलिए रितु मेहता प्लीज। सर जैसे आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया एनएनई औषधि का हैगा, हाँ जी, अब सपोज किसी का टॉयलेट है वहां पे, तो हम जैसे अब आप उसकी रेमेडी बताएंगे? सब बताई जाएगी मैडम, बिल्कुल बताई जाएगी कि अगर कोई जोन में नहीं बनी तो उसकी रेमेडी क्या करेंगे आप। हाँ मतलब कई तो ये कहते हैं ना कि भाई तोड़ दो, ये इसका तोड़ का सलूशन नहीं है। देखिए वैसे तोड़ दे तो बेस्ट है, अगर कुछ हो कर सकते हो तो कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो तब तक रेमेडी कर लो, रेमेडी बता देंगे आपको। तो रेमेडी सर कितने परसेंट काम? 100% काम करती है, 100% काम करती है। तो सर पहले तोड़ने के लिए कहते हैं, फिर रेमेडी मतलब व्हाट इज द, क्या होता है ना देखिए मैम, अब रेमेडी है तो जब काम करेगी जब से इफेक्ट करना शुरू करेगी, लेकिन अगर आपने तोड़ के आज ही ठीक कर लिया तो आज से काम करना शुरू कर दिया ना उसने। अच्छा मतलब होता है, अब रेमेडी तो अब कोई भी गारंटी तो ले नहीं सकता। डॉक्टर के पास कोरोना है, सब जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। तो इस तरह से लाइलाज बीमारी कर लिया आपने कि भैया हम तो दवाई दे रहे हैं आपको, इफेक्ट तो होगा नो डाउट, लेकिन वो कितने परसेंट होता है और कब से आना शुरू होता है ये कोई नहीं जान सकता। इफेक्ट तो आएगा, लेकिन मैं बोल दूं कि नहीं कल से आ जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता। कई बार 3 महीने 6 महीने साल साल भर लग जाता है रेमेडी को एक्टिवेट होते होते। ठीक है, ये मतलब काम करती है। चलो आगे, आकाश गुप्ता कुछ ना पूछना चाहते हैं? पीके, सुखराम, सकराम, हेलो। हाँ जी पीके जी प्लीज। नमस्ते सर। सर मैं कल भी आपसे ज्वाइन हुआ था लेकिन मेरा एक सवाल और था, आज भी मैं आपसे और सीखा हूँ। अच्छा, सर वैसे मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अरे वाह सर, बहुत अभी सर मैं जॉब छोड़ के अब मैं बिजनेस में आ गया हूँ पापा जी के साथ। कल आपसे बात हुई थी, आपने बताया था वो शुक्र के लिए आप लगाइए साउथ ईस्ट पे। हाँ, पापा जी की ठीक है। हाँ, मेरा सर ये था क्वेश्चन, साउथ ईस्ट पे बताया था ना? हाँ, साउथ ईस्ट बताया, बिल्कुल साउथ ईस्ट बताया वो। सर मैं ये बोल रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैं साथ में बिजनेस तो कर ही रहा हूँ पापा जी के साथ, पापा जी के नाम से ये तो मैं हेल्प करता हूँ। हाँ जी। मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी जुड़ा हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं सब कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरे लिए आप क्या बताएंगे सर? मेरा जो घर का वास्तु है वो साउथ में मेरा, समझ गया मैं सर, समझ गया आपकी प्रॉब्लम, समझ गया। फोकस अगर नहीं कर पा रहे और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, सबसे पहले देखिएगा वहां का नॉर्थ खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में क्या मर्करी रूल करता है, मर्करी इन सब का कारक है। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो जुपिटर की रेमेडी करो, आप जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग करो, एक सिट्रिन पहन लीजिए या एक सिट्रिन का पैरामिड, 3 इंच का पैरामिड आप अपनी नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। कितना कर दीजिए? सिट्रिन का पैरामिड 3 इंची, 3 इंच का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जुपिटर की चैंटिंग, हेलो। ठीक है सर, आपने तो बताया जुपिटर की चैंटिंग करूं और सिटरिंग का पैरामिड 3 इंच का वो वहां रख, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, बस नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, सीखो, मैं तो कहता हूँ सीखो ना, आओ कोर्स करो, सीखो। कौन सा इतने लाखों रुपए ले रहे हो आपसे सीखने के? दुनिया की हेल्प करो, मैं तो यहाँ पता कि आपकी अकेले की हेल्प करूंगा, आप सीख जाते हैं तो 100 लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ सीखो, कंसल्टेंसी लेंगे मेरे से तो मेरी 21 हजार की कंसल्टेंसी है और मैं सिखा 15 हजार में रहूं, सोचो। यस सर, मैं तो कहता हूँ ना सीखो ना, सीख के खुद करो, दुनिया को सिखाओ, अपने अपनी लाइफ में भला करो अपना। कोई जानने का तो बहुत इच्छा रहता हूँ, इच्छा तो बहुत है कि सर बहुत कुछ सीखूं। सीखना पड़ेगा सर, आओ सीखो, मैं तो कहता हूँ हम तो सिखाने में ज्यादा खुश है,
और अपनी पूरी इनडेप्थ नॉलेज देते हैं, अपना पूरा दस्ताव का एक्सपीरियंस आपके सामने रखते हैं। यस सर। तो आओ सीखो सर। इसमें हम घर का वास्तु कर सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं? नहीं, कमर्शियल नहीं कर सकते सर, कमर्शियल अलग से कोर्स होता है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, तो वो अलग से 3 महीने का अलग से कोर्स है कमर्शियल इंडस्ट्रियल का। ठीक है सर, थैंक यू जी। पहले ये सीख लो, बाकी रूल तो यही लगेंगे, जो बेसिक रूल है वो यही है, लेकिन वहां कुछ कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। चलो सखराम, सारिका, हरिशंकर जी, हेलो। हाँ जी, मैंने बताया था। हाँ सर, मैं सखराम जी, एक मिनट रुक जाइए, पहले हरिशंकर को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलना। हाँ जी बोलो। साउथ ईस्ट में चिड़िया है। हाँ जी, आपने बताया था कि मतलब अग्निकोण पर जो मतलब भजन रख दिया है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी आप बता रहे थे सर? कर सकते हो आप, एक काम कीजिएगा, नॉर्थ में अगर सीढ़ी है ना, तो लास्ट जो स्टेप है आपका, जो लास्ट पैड़ी होगी ना, जो पहली वाली, का मतलब ऊपर जाते हैं। नहीं सर, नीचे वाली, मतलब नीचे वाली, या नीचे चढ़ते हो पहली वाली जी, जो ग्राउंड लेवल से टच हो, वहां पर एक छोटी सी झीरी बनवा लेना, मतलब थोड़ा एक वहां से निकलवा के ना, वहां पर 3 क्रिस्टल के कछुए उसमें उसके अंदर डलवा दीजिए। बंद करा दे फिर उसको। हाँ, उसको फिर बंद करा दो। अच्छा, वो जमीन से टच होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल से टच होनी चाहिए बस, इतना करवा देना जी। ठीक है, और वहाँ पर वहीं पर हमारा उसका सीढ़ी के नीचे टैंक भी है सीवर का। कोई बात नहीं सर, पहले ये तो करो, एक ही रेमेडी पूछ लो सर, इतने सारे लोग बैठे हैं, बाकी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ले लो सर, अगर ऐसा कुछ है तो। मैंने एक ही रेमेडी दे सर। आवाज बंद करो। हेलो। हाँ जी, एक मिनट रुको, चलो आप सखराम जी बोलो। हाँ सर, मैं ये बात पूछना चाहता था, मेरे पास 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उस पे मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर ब्लैंक रख के मैं फर्स्ट फ्लोर पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाना चाहता हूँ, तो साउथ या नॉर्थ, ये कहाँ से स्टेयरकेस बनाना मेरे लिए अच्छा होगा सर? सर ऐसा ना, जब मकान बना रहे हो तो एक अच्छे कंसल्टेंट से एडवाइस ले लो सर, जीवन में पहली बार, एक ही बार मकान बनता है इंसान का, एक तो अच्छे, ऐसे मैं एक चीज बता दूंगा, उससे बात बनने वाली नहीं है, जब बना रहे हो तो अच्छे कंसल्टेंट से एक बार वो कर लो, आप एसोसिएट हो जाओ, उसकी फीस देकर उससे अच्छे से डिजाइन बनवा लो, ठीक है, वो आपको सब बता देगा कहाँ पर क्या चीज बननी चाहिए। वैसे जो सीढ़ियां बनती है वो साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट में बनती है, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ, मैं ऐसे नहीं, मैं सब देखे सीक्वेंस से नाम ले रहा हूँ सबका। हाँ सर। महेंद्र जी, सारिका हो गया, सारिका, महेंद्र। हेलो। हेलो सर। हाँ सारिका जी बोलिए। सर मैं क्या पूछ रही थी कि हमें जो घर का डायरेक्शन है वो exactly कैसे नापा जाता है? बहुत बढ़िया, शुक्र है आपने, किसी ने तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। डायरेक्शन आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की डायरेक्शन देखनी है, किसी रूम की डायरेक्शन देखनी है, किसी प्लॉट की डायरेक्शन देखनी है, किसी घर की डायरेक्शन देखनी है, उसके सेंटर में खड़े होना था अंदर। लोगों को ये नहीं पता, लोग, मैं तो ऐसे ऐसे लोग मिले वास्तु करके चले गए, उनको नहीं पता डायरेक्शन कैसे ली जाती है। घर के अंदर से, सेंटर से, मतलब पूरे घर का देखना है तो उस घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। जैसे मैं बोलता हूँ भाई, अपने रूम के ईस्ट में ये लगा दो, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, उस रूम के सेंटर में खड़े होना है। उस सर, एक क्वेश्चन, सॉरी सर, एक क्वेश्चन जाती है। हाँ जी बोलो सर। हमें ना ऐसे पहले घर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, या पर्टिकुलर बेडरूम या किचन, ऐसे मापा जाता है, या सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े? बता रहा हूँ, सबसे पहले पूरे प्लॉट का देखा जाता है, वास्तु किया जाता है पहले पूरे पूरे प्लॉट का, फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया का, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पर्टिकुलर रूम का वास्तु किया जाता है। तो प्रायोरिटी पूरे प्लॉट की होती है, फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया की होती है। मान लीजिए 1000 गज का प्लॉट है आपका, तो पहले 1000 गज के प्लॉट का सेंटर देखा जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी। फिर जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मान लीजिए 500 गज में आपने कंस्ट्रक्शन की है, फिर उस 500 गज का वास्तु होगा, और फिर पर्टिकुलर किसी रूम का वास्तु हम करेंगे। तो 3 लेवल की, ये 3 लेवल पे वास्तु काम करता है, ठीक है? ओके ओके सर। तो हमें डोर का, अगर हमें जो हमारा डोर चेक करना हो, ओके, तो सेंटर खड़े रह के बीच में? हाँ जी, सेंटर में खड़े हो जाइए उस कंस्ट्रक्टेड एरिया के। अगर आपने आपने कंस्ट्रक्टेड एरिया में घुसने का मेन डोर देखना है, अगर आपने पूरे प्लॉट का मेन डोर देखना है, तो प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाइए। ओके, अच्छा, और घर के अंदर का एंट्री चेक द एंट्री। हाँ जी, फिर एंट्री चेक कीजिए किस दिशा में,
और वो ऐसे एंट्री भी जब तक आप नक्शे में काम नहीं करेंगे ना, जोनिंग अच्छे से 16 जोन नहीं बनाएंगे तब तक नहीं पता लगेगा एंट्री एग्जैक्ट कहां से आ रही है। अच्छा तो वेस्ट की एंट्री, वेस्ट का गेट सर प्रॉपर रहता है ऐसे? हाँ अच्छा नहीं है मैडम, अच्छा नहीं है वेस्ट। ओके अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता वेस्ट। वेस्ट में कानून पालन करने पड़ेंगे, वरना जितनी इनकम गलत कमाई की, अगर कुछ ये घर में कोई भी इनकम आएगी तो कहीं ना कहीं निकल जाएगी, अभी निकले या बाद में निकले, निकलेगी जरूर ठीक है। और इतनी कोई प्योर इनकम कोई नहीं कमाता आज की डेट में, सभी कुछ कोई टैक्स चोरी करता है। ओके यानी प्योर इनकम अगर हो तो नो इश्यू, अगर फिर कोई इश्यू। ओके 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 थैंक यू सर। चलो महेंद्र। हाँ सर। सर नॉर्थ ईस्ट में 10 फुट की दूरी पर टॉयलेट है तो उसका दोष लगता है सर? नॉर्थ ईस्ट में 10 फुट की दूरी पर मुझे नहीं पता ना भैया, अगर 16 जो हम जोन बनाएंगे अब एग्जैक्ट पता लगेगा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा वो, अगर नॉर्थ ईस्ट में वो पार्ट नहीं आ रहा होगा तो उसके इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ रहा है तो डेफिनेटली इफेक्ट आएंगे, वो निकालना पड़ेगा 16 जोन बनाकर। यस ठीक है, उसके इफेक्ट आएंगे मुझे। ओके ओके थैंक यू सर। चलो सुबोधानी आप कल भी आए थे शायद, सुबोधानी अतुल। हेलो हाँ जी। हाँ सुनील सर। सुनील भाई बोलो सर। नॉर्थ में पानी का टैंक है लेकिन यूज नहीं हुए, पानी भरा हुआ है उसमें, पानी वाटर टैंक है नॉर्थ में अंडरग्राउंड। ओके ठीक है, और उसके पानी का उपयोग कुछ होता नहीं, मशीन वगैरह लगाए नहीं है, पानी वैसे रखा हुआ है। ठीक है ठीक है, नॉर्थ में पानी रह सकते हो अंडरग्राउंड आप बिल्कुल, तो उसका उपयोग नहीं है तो चलता है? चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है ठीक है। सभी से पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तमर के नाम से, प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वहां पर एक नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कोई भी अपडेट आता है वहां से आपको मिल जाएगा, कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, और वहां पर जितने वीडियोस है मेरे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहां से ठीक है। और सर दूसरा दक्षिण में जो अपना वेस्टेज पानी निकलता है हाँ, तो वो किस दिशा से जाना चाहिए सर? वो जाना तो पाइप का चेम्बर है, पाइप का चेम्बर है। हाँ जी, वैसे तो ये बोला गया है कि आपका जो थोड़ा निकल सकते हो वेस्ट में, सबसे बेस्ट बोला गया है, वेस्ट में सबसे बेस्ट बोला गया है, वेस्ट में डिस्पोजेबल वेस्ट में होना चाहिए आपका, लेकिन चेम्बर का बना हुआ है कंप्यूटर दक्षिण में, तो फिर वो पाइप घुमा के ले जा सकते हैं, घुमा के ले आओ सर, साउथ ईस्ट में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए डिस्पोजेबल जी सर, कनाडा ठीक है। चलो सभी पहले प्लीज आप सभी से एक ही करके, भाई ऐसे नहीं करो आप, मैं नाम ले रहा हूँ सभी ने हैंड रेज किया, मैं क्वेश्चन आंसर सभी की कोशिश कर रहा हूँ लेने की, और सीक्वेंस से ले रहा हूँ सर। कनाडा आते हैं सर? हाँ जी कनाडा, कनाडा कनाडा नहीं आता मैं, कनाडा हाँ इंग्लिश, यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश। यस हाँ सर। Sir, actually, at that time you are talking, I didn't understand, but I'm listening what you are talking all. Next class, the fourth is there. Fourth, Sunday's classes is there. Yes, yes. How much will charge for this? Classes start from Sunday. It's a 3-month course and we are charging 5,000 rupees per month. Total course fees is 15,000. Total 15,000. Sorry, 1 minute, sir. Just I'm writing somewhere. I want to forward this now. That's only. Okay. You can talk to me personally. Yes, tell me the number, sir. 965-415-415-415-415-7724. Sir, once again, 965-415-7724. Yes. Sir, this is 6 months course. This is 3 month course. 3 months course, you charge 15,000. Classes is weekly once or twice? Weekly classes, every Sunday, 4 to 6, 2 hours class. 4 to 6 evening, okay. But these classes you charge, sir? No. This is free webinar. Now you're giving the free seminar. Yes. This is free seminar. Okay. It's a free seminar. For again, you're taking the coaching classes, you charge for 5,000 for. Yes. Per month. Saturday, Sunday. It's a week, monthly only four Sunday. Classes. Only Sunday. Sunday only. Yes. Monthly four classes. Monthly four Sunday to five classes. Four to five classes. Okay, sir. Total 16 to 20 classes. Are there in full course? 16 to 20 classes. Okay, sir.
ओके हाँ सर सर कॉल यू पर्सनली सर समन द बॉय गिवन he'll call you sir ओके डेफिनेटली थैंक यू सर ओके बाय तो सभी मेरा डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर आपको बहुत सारे ज्योतिष के न्यूमरोलॉजी के टैरो के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे नॉलेजेबल तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो और फेसबुक पर मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरा डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से ही फेसबुक अकाउंट है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए और वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी और वहां पर आप वीडियो सुनिएगा आपको लगेगा कुछ ऑथेंटिक चीजें आप समझने को मिल रही है हाँ जी अब मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ राकेश प्रणब सर मेरा क्वेश्चन है हाँ जी सर दिमाग से रिलेटेड जो परेशानी होती है वो किस जोन को रेफर करती है दिमाग से अगर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो नॉर्थ ईस्ट जोन से रिलेटेड होती है नॉर्थ ईस्ट तो सर क्लियर है एक्चुअली थोड़ा एसएसडब्ल्यू या डब्ल्यूएनडब्ल्यू में अगर सो रहे होंगे तो उससे भी दिक्कत आएगी नहीं नहीं किस में एनएन देखिए अगर आपका हेड नॉर्थ की तरफ है तो SSW. अगर आपका N1 N2 के आसपास भी है ठीक है तो भी दिक्कत आ सकती है हेड अगर आपका और वो आपने अपने रूम से देखना है थैंक यू ठीक है अपने रूम से देखना है वो क्या अगर कभी आप पूरे सर, मैंने ग्रिड कराया था मैप नहीं मैप मैंने ग्रिड कराया था ओके करानी जो होती सर खुद कर लेते सिराना एक्चुअली 100 कहां पर आ रहा है 100 गज का मकान बना हुआ है 100 गज का बना हुआ नहीं है ठीक है सिर जो 200 गज वाले में तो सर एसएसडब्ल्यू आ रहा है नहीं 200 गज का कर लेते हैं तो उसमें डब्ल्यूएसडब्ल्यू कंस्ट्रक्टेड लेना ठीक है जी ठीक है सर थैंक यू चलो ओके प्रणब हंसा जैन जी सर नमस्कार सर हेलो जी सर नमस्कार सर हाँ जी अंसा जी बोलो हाँ सर मेरी प्रॉब्लम मेरे यहाँ पर सर नौका टिकते नहीं है कोई भी नहीं टिकते आपके हेलो मैम अभी मैं आई मीन द क्लास प्लीज कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर हाँ जी तो आपने क्या बोला मैडम आपका नौकर नहीं टिकते हैं नौकर टिकते हैं हाँ। चलो टिका देते हैं नौकर मैडम एक काम कर लो एक हनुमान जी को मानते हो बजरंग बली को मानते हो जी जी मानते हो हनुमान जी को ठीक है उसकी एक पिक अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दो नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट जी जी सर थैंक यू सर टिकनेशन हो जाएगा ठीक है मेरे को कैसे हनुमान जी की लगानी सर कैसे भी लगा लो मैं कैसे भी लगा लो जी जी सर भक्ति करते हुए लगा लो ज्यादा बढ़िया है कैसे करते हुए भक्ति करते हुए जी जी हाँ बराबर थैंक यू सर ठीक है मुझे फोन करना नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में मैडम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में जी सर चलो नरेंद्र कुमार सर सर हेलो सर हेलो प्रणब हाँ प्रणब बोलो पहले क्यों नहीं बोले सर बोलिए मुझे सर खूब रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो वास्तु का क्या प्रॉब्लम है आपका रोड एक्सीडेंट हो रहा है हाँ, खूब 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 पर मंथ कोई बात नहीं काम कर लो सर मंगल आपका बहुत हाँ। एनर्जी हाई है आपकी ठीक है मंगल आपका बाय एनर्जी घर में ज्यादा आ रही है आपकी सर तो क्या करना है एक काम कर लो हर मंगलवार के दिन ना कोई फ्राइड चीज हाँ। या मीठा वो आता ना बूंदी जो आती है जो प्रसाद बांटते हैं मंगलवार को हर हाँ। मंगल और शनि वो बांटने शुरू करो आप मंगलवार सर अगर प्लीज रिपीट हर मंगलवार को जो आपने देखा ना प्रसाद बनता है हनुमान जी का मीठे वो जो हाँ, बोलते हैं उसको और उसमें हमारे यहाँ गुलदाना बोलते हैं छोटी छोटी वो ऑरेंज हाँ, हाँ, थी ना वो बांटना शुरू करो या कोई भी फ्राइड चीज बांटना शुरू करो कोई भी फ्राइड चीज कचौड़ी टाइप हो गया पूरी टाइप हो गया जो फ्राइड होती हो और थोड़ा मीठा भी होना फ्राइड मींस फ्राइड कोई भी फ्राइड ऑयल में जो फ्राइड होती है डीप फ्राइड हर मंगलवार हर मंगलवार
वो बांटना शुरू करो। ओके ठीक है, और एक हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र लिखकर अपने साउथ में लगा दो। साउथ में चलो नरेंद्र कुमार, किरण, पापिया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मनी रिलेटेड है, जैसे मनी आती है लेकिन जुड़ नहीं पाता। चलो पैसा आ तो रहा है ना, तो जुड़ नहीं पाता तो कुबेर खराब है आपका। कुबेर को कुछ करना नहीं सर, पैसा बीच बीच में रुक भी जाता है, स्ट्रगल मतलब तब से कर ही रहे हैं। ये पैसा आ तो रहा है, रुक नहीं रहा आपके पास। ठीक है, तो एक काम कर लो, कोई भी एक कुबेर के मंत्र की चैंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, कोई भी एक कुबेर के मंत्र की चैंटिंग शुरू कर दो। एक कुबेर का मंत्र एक गोल्डन फ्रेम में बेशक हाथ से लिख देना, हाथ से लिखकर अच्छा सा लिखकर उसको गोल्डन फ्रेम कराकर अपने अपने किसी भी रूम के नॉर्थ में उसको प्लेस कर दो। ओके, किसी भी रूम में। ओके सर, थैंक यू सर। एक जो आप साउथ ईस्ट का जो आप बता रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके मनी से रिलेटेड पहले निकल गया कि वो पैसा आ रहा है, तो अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये क्या था, प्रश्न कुंडली बनती है आपको मैं जो दिखा रहा हूँ उसके अलावा भी कोई साइंस है तो okay. मैं आप जो पूछ रहा हूँ उसी से बता रहा हूँ, बहुत सारे साइंस यूज कर रहा हूँ उस टाइम, प्रश्न कुंडली यूज कर रहा हूँ, टाइम कुंडली भी यूज कर रहा हूँ। सर सर ये हम भी यूज कर सकते हैं ये वाला चीज़, जो कुबेर वाला सब चीज़ आती है एक्सपीरियंस से। पहले एक तो पहले बेसिक चीज तो सीख लो वास्तु। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, पर नहीं आपने ये जो इनको रेमेडी दी है ये हम भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं मैं हमेशा बताता हूँ जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ पर्टिकुलर उसी इंसान के लिए है, क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली भी साथ साथ बनाता हूँ। सर जो अभी आपने कुबेर का मंत्र बताया गोल्डन में, रूम की कौन सी डायरेक्शन मिले? नॉर्थ 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 में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, आई एम पापिया फ्रॉम कोलकाता, मैं आपकी टैरो क्लास में भी हूँ। हाँ हाँ सर, मेरा मकान में ना लीगल प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, तो साउथ वेस्ट पर हमारा इंट्रेंस है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पर हमारा सीढ़ी है, तो लीगल प्रॉब्लम को क्या करें? कोई बात नहीं, लीगल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कोई लीगल मतलब कोई डॉक्यूमेंट है उसका लीगल का आपके पास जो केस वेस चल रहा है आपका? हाँ, 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 उस फाइल को उठाकर हाँ, बहुत सारी बहुत सारी जो भी जितनी फाइल है सारे उठाकर अपने घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रख दीजिए। आप साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में साउथ की तरफ साउथ ईस्ट में साउथ की तरफ। हाँ मैं नहीं आया तो मुझे वही पर है मैप, मैप भेज देना, मैं मार्क कर दूंगा आपके मैप पर। मैप होगा ना कोई, नहीं तो हाथ से बनाकर भेज देना मुझे एक दिशा के साथ। ओके सर, तो मैं आपको एग्जैक्ट मार्क करके बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। प्रतीक्षा सर, नरेंद्र बोल रहा हूँ, नरेंद्र बोल रहा हूँ सर। नरेंद्र जी आपका आया नहीं क्या अभी तक? बोलो नरेंद्र जी, आप बोलो। सर मेरा जो 1500 स्क्वायर फीट का घर है, मेरा जो फेसिंग जो है ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, लेकिन मेरा क्या ना कस्टमर जो काम तो करा लेता है लेकिन पेमेंट ढंग से देख नहीं जा पाता है। अच्छा, पेमेंट नहीं आ रही आपकी? नहीं, और पेमेंट नहीं आ रही तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब मोटा मोटा। ठीक है, अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो पूरी भेज देना, वरना साउथ ईस्ट में काम कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी एक रेड बल्ब जला दीजिए साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट मेरा सर सीढ़ी है और किचन भी है। आ गया ना सर, बता तो दिया ना, कुछ को तो ऑब्स्टिकल आ रखी है वहां पर, सीढ़ी हो सकती है तो हो गई आपकी सीढ़ी। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जला दीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए यहां पर मैं जनरल रेमेडी दे पा रहा हूं आपको, फिर मैं अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप लेते हैं तो फिर आपकी कुंडली देखी जाती है, पूरा मैप देखा जाता है, उसके हिसाब से फिर रेमेडी बनती है। मैं तो अभी यहां जितनी आप बताते हो उस हिसाब से दीप है जो रेमेडी हो सकती है वो आपको बता रहा हूं। चलो जी, लास्ट दो क्वेश्चन दूंगा मैं, उसके बाद मेरा वाइंड अप करना है, मेरी क्लास का टाइम भी हो गया है, वैसे सैटरडे संडे फ्री नहीं होते हम। प्रतीक्षा
हेलो हेलो हाँ जी बोलिए प्रतीक्षा। हाँ जी सर, ऐसा है हम लोगों की शादी में बहुत डिले हो रही है, सिस्टर्स के ब्रदर की भी जॉब नहीं लग रही, तो रीजन क्या है? शादी में डिले हो रही है? हाँ जी, तो मेरी, मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ, मेरी एज ही 47 है। तो आप शादी नहीं हुई? हाँ, कोई काम ही नहीं बनता इस घर में। आपका जो बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट के जोन में तो नहीं है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। बस तब देख लो, मैं को सपने धोना आ रहे हैं, मैंने यही बता दिया। इसलिए ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, आप भी सीख सकते हो कि भाई शादी नहीं हुई तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, है ना? बच्चा घर से बाहर नहीं निकला, शादी नहीं हुई, तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आ जाती है, काम करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना है मैडम बताओ, कोई रेमेडी बताइए सर। अपने जो बेडरूम होगा उस बेडरूम के अपनी एक पिक नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, और एक इंटेंशन के साथ कि आपने शादी करनी है, बस इतना कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि अब मैं यहाँ आपको कुछ शुक्र का यंत्र भी देना है, कुछ और भी चीज बतानी है, मैं बता नहीं सकता अब यहाँ, कैसे बताऊंगा? ठीक है, तो सिर्फ आप इतना कर लो, काम आपका फिर भी होने के चांसेस बन जाएंगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब कौन बोले सर? नाम के साथ आकाश गुप्ता बोला सर। कौन? आकाश गुप्ता जी। अरे आकाश गुप्ता, आप सोए, अब याद आ रही है आपको सर, सबसे पहला नाम आपका था? नहीं सर, वो मैं अपना किसी मीटिंग कॉल आ गई थी तो मैं सिस्टम से उठ गया था, सॉरी सर, है ना? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मेरा जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में है, तो मैं थोड़ा मेंटल टेंशन में भी रहता हूँ। एज क्या सर आपकी? एज 30 इयर्स है, बैंक में, बैंक एम्प्लॉई हूँ। सर ये तो इस एज में तो वो बेडरूम ठीक नहीं होता ना सर, वहाँ पर सात्विक एनर्जी फ्लो करती है और आप राजसिक एनर्जी के बंदे हो, वहाँ पर वो एनर्जी मतलब आपकी क्लैश कर रही है। ठीक है, बेडरूम का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, वहां से हटाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, हटा दो बेटर है। हटा सकते हो क्या वहां से? बेडरूम चेंज हो सकता है? जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ बेडरूम चेंज हो सकता है सर। हो सकता है, कर लो सर, नॉर्थ में कर लो, कोई नहीं हो सकता, साउथ ईस्ट में कर लो, साउथ में कर लो, कहीं भी कर लो, वहां से हट जाओ। साउथ ईस्ट से हट जाऊंगा? नहीं, नॉर्थ ईस्ट से हटना है। ईस्ट में कर सकते हैं? कर सकते हो फिर भी, चलो नॉर्थ ईस्ट में नहीं सर, साउथ ईस्ट में है सर मेरा बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट में, हाँ साउथ ईस्ट बोल रहा हूँ। फिर वो दिक्कत उसकी नहीं है, फिर क्या बता रहे हो आप? सर मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है। तो आपकी फायर एनर्जी बढ़ी हुई है, ठीक है, फायर एनर्जी बढ़ी हुई है, यानी कि तुम दोनों की हस्बैंड वाइफ की कुंडली में बहुत ज्यादा गैप है, गैप मतलब एक गैप है दोनों की नेचर में ना, बहुत ज्यादा गैप होगा, और आप साउथ ईस्ट में अगर अपना बेडरूम बना लेंगे तो फिर दिक्कत रहती है। तो आप एक काम करो, सिर्फ एक काम कर लो, आपने जो घर का नॉर्थ है ना, हाँ सर, वहां पर राधा कृष्ण की एक मूर्ति लगा दो बस आप। ठीक है, ठीक है, और गाय साथ में होनी चाहिए, गाय के साथ है ना, जैसे इस तरह के राधा कृष्ण हो, हाँ तो पिक्चर हो, सिर्फ वो लगा दो, आपकी हार्मोनी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, एक बार इतना करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो सर, एक मिनट, में सबका नंबर ले रहा हूँ, ये और कैसे बढ़ते जा रहे हैं यार, ये इतना टाइम तो ना भाई। हेलो सर, डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा भी है। आप नाम बताइए। विकास। विकास कहाँ पर है? विकास तो कहीं हैंड भी रेज नहीं है सर। सर एक ही सिंगल सर। चलो विकास पूछ लो कोई बात, फिर सिंगल जी आप पर ले रहा हूँ स्क्रीन कैप्चर। तो डॉक्टर साहब विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास जी। डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम जो है ये है कि मेरा एक बेटा है, आई एम 54 इयर्स ओल्ड, 54 साल का हूँ, मेरा एक बेटा है, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड आप समझते होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या घर की वास्तु में क्या रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे प्लीज? ओके, देखिए सबसे पहले तो कभी भी जब बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आए ना तो सूर्य सन और जुपिटर को पकड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहले तो आपके घर का, जिस घर में भी आप रह रहे हैं वहां का ईस्ट और नॉर्थ की कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ईस्ट एंड नॉर्थ की सर ज्यादातर मैंने मतलब रेमेडी शुरू से की हुई, जब बनाया था तो भी हमने किया हुआ था, तो वो नहीं है शायद। और आप जो सन और जुपिटर बोल रहे हैं सर, उसका हेल्प कैसे ले सकते हैं सर? उसका बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप एक कोई भी आपका अगर कोई गुरु है आपके,
कोई भी ग्रुप मानते हो किसी को या किसी देवता को बहुत ज्यादा मानते हो, उसकी पिक आप एक उसके पोस्टर रूप में, ठीक है, आप उसकी एक छोटी पिक एक नॉर्थ ईस्ट में जरूर प्लेस कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जिसको भी मानते हैं, किसी गुरु को मानते हो, किसी ईश्वर को मानते हो, उनको आप प्लेस कर दो, ठीक है। और एक काम आप कर दो, बच्चे की पिक के साथ साथ ना, बच्चे की पिक मतलब एक कॉपर का एक सन लेकर आइए आप, हाँ हाँ ओके, उसके उसके पीछे बच्चे की पिक लगा दीजिए आप, कॉपर का एक सन लेके आओ, उसके साथ में लगा दूं, उसके साथ में नहीं, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे लगा दूं, उसके पीछे कॉपर के पीछे, कॉपर का सन है उसके पीछे बच्चे की पिक लगा के और उसको ईस्ट वॉल पर आप प्लेस कर दीजिए, ईस्ट वॉल पे, ठीक है सर, बस इतना कर दिया, थैंक यू, थैंक यू, दोनों की ब्लेसिंग मिल जाएगी तो क्या पता, हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, यस, हेलो सर, सिंगल जी बोलो, हेलो सर, फैक्ट्री का मैं नहीं ले पाऊंगा, फैक्ट्री कमर्शियल, फैक्ट्री कमर्शियल है, उसके लिए आपको कमर्शियल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी हमसे, कोई पर्पस से क्वेश्चन है तो नहीं, छोटी सी बात पूछनी है, बहुत छोटी सी बात पूछनी, बोलो 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 सर, बहुत छोटी सी बात है, बताओ बताओ, फैक्ट्री के टेरेस पर टॉयलेट बनवा, फैक्ट्री के टेरेस पर टॉयलेट बनवा सकते हैं, बनवा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, हां जी, साउथ वेस्ट में, साउथ से होते हुए E5 में नीचे आएगा, कहाँ पर आएगा, साउथ की लाइन से ही होता हुआ E5 से नीचे ग्राउंड पर आएगा वो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है सर, और कोई तरीका भी नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो टॉयलेट है वो उसकी प्लेसमेंट ठीक है, चलो जी मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास का टाइम शुरू हो गया, सर प्लीज, आपका मैडम मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं क्या करूँ बताओ, बच्चे वहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं, मेरे 4:30 से मेरी क्लास है और रात के 9:30 बजे क्लास है, चलो बताओ, कोई नहीं, एक क्वेश्चन जल्दी से पूछो आप, सर मैं आपके टैरो की क्लास में भी हूँ, अच्छा तो फिर तो वैसे ही पूछ लो, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है सर, सर चलो पूछो, ठीक है सर, सर मेरा बेटा सर, है इवेंट्स में है असल में, तो जैसे 1.5 साल से जैसे काम बिल्कुल बंद हो रखा है, तो काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, नहीं तो अच्छा कमा रहा था इवेंट्स में, मैनेजर है कंपनी में, बट आजकल बिल्कुल काम बंद हो गया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो क्या करें, मैडम देखो अभी जब का बच्चे का पहले अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो कोरोना का कोरोना की मार है, तो इसमें किसी का वैसा फॉल्ट नहीं है पहली बात, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, ये दिन ऐसे तो रहने वाले हैं नहीं, नेचर अपने आप ही करेगी, ठीक है, चाह रहा है कुछ नया लेकिन कर नहीं पा रहा, कोई नहीं अभी रहने दो, उसकी फिर कुंडली दिखा लेना आप मेरे को, कुंडली भेज देना मैं देख लूँ क्या चल रहा है, ठीक है, मेरे को पर्सनली करना सर, मैं फास्ट से क्वेश्चन कर रहा सर, सर मैं फास्ट एक क्वेश्चन कर रहा, जल्दी कर लो सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा किचन था और साउथ साउथ ईस्ट में बाथरूम था, ठीक है, तो आपको मैंने बोला था ये जो 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 मैं फर्स्ट में आपको बोला, तो मैं ऑलरेडी साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर की टेप से उसको कवर करके रखा हूँ, अच्छा, लेकिन फिर भी जो अग्नि का पोजिशन है, आई मीन प्रॉपरली साउथ वेस्ट एंड ईस्ट ईस्ट, आई मीन ESE में वो जूते वगैरह ये सब चीज है, तो हो रहा है कि जो भी काम कर रहा हूँ उसका फाइनेंस में बहुत ब्लॉकेज आ रहा है, लेकिन ग्रीन टेप लगाने के बाद भी उसका प्रॉपरली हील नहीं हो रहा है, तो क्या डालूं वहाँ पे सर, क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि आपने जो रेमेडी किया उससे हील हो ही जाएगा, ठीक है, और जब आपने कर लिया नहीं हो रहा तो उसका मतलब यह है कि आपके पूरे जोन देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो रेमेडी तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो ओवरऑल देखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है ना आप कुछ बोलते हो लेकिन कई बार वो प्रॉब्लम कहीं और से आ रही हो, अब आप तो सिर्फ एक जोन को पकड़ के बता रहे हो, हमें बाकी भी तो जोन सारे देखने पड़ते हैं ना, इसलिए कई बार टोटालिटी में देखी जाती चीज है, तो आप फिर अच्छा कंसल्टेशन ले लेना सर, यही बोल सकता हूं मैं, अच्छा सर, ऑलरेडी बाल भी मैं दे दिया था लेकिन उससे भी कुछ काम ज्यादा बन नहीं रहा है, जब आप कुछ रेमेडी कर चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा तो फिर देखना पड़ेगा ना, ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे एक डॉक्टर होता है फोन पे बता दिया ये खा लो, नहीं आराम लगा तो डॉक्टर बोलेगा मेरे पास लेकर आओ देखो सही है क्या, आपको पूरा मैप भेजना पड़ेगा, उसके फिर कंसल्टेंट चार्ज होगी मेरे से पूछ लेना, ठीक है,
ओके सर, थैंक यू। चलो जी, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा डॉक्टर नागेश शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वहां से वीडियोस मिलते रहेंगे। और जिसने भी कोर्स करना है तो मुझसे पर्सनली टच कर सकता है, और मैं अभी ग्रुप में आपको वो भेजने वाला हूँ कोर्स मटेरियल, हम क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे आप फीस जमा करा सकते हैं। तो जिसने कोर्स करना है तो ऑल आर वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।